गुड आफ्टरनून क्लास। कैसे हैं आप लोग? वेटिंग हार्ट इन डेली। टेम्परेचर आज बहुत हो गया 41 डिग्री सेल्सियस। अब कोरोना का न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही रहा होगा। स्टे सेफ स्टे होम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेडिमेंटेशन। ऑडिबल आवाज आ रही है मेरी? तो कल हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट किए थे। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर, उसमें हम लोगों ने सेडिमेंटेशन को देखा था। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन क्या था? सेडिमेंटेशन था जहाँ पे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सेटल करने की कोशिश करेंगे। उनके सेटल करने में दो तरीके का सिस्टम वर्क करेगा, एक प्लेन सेडिमेंटेशन, एक कॉगुलेटेड एडिट सेडिमेंटेशन। हम लोग अभी प्लेन सेडिमेंटेशन को डिस्कस कर रहे थे। और सेडिमेंटेशन टैंक दो तरह का होता है, क्वेसेंट टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, कंटिन्यूअस टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको हम लोग फिल एंड ड्रॉ टाइप कहते हैं। ठीक है, इनके डिजाइन पैरामीटर्स यहाँ पे हैं। आपको ये डिजाइन पैरामीटर्स याद रखने हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इस पैरामीटर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनके ऊपर बेस्ड एक या दो नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस फ्लो टाइप, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो भी करता है एंड वर्टिकल टाइप फ्लो भी करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लो भी करता है और ये वर्टिकल फ्लो भी करता है। देन हम लोगों ने कुछ सेटलिंग वेलोसिटी के इक्वेशन को देखा था जो स्टोक्स लॉ के ऊपर वैलिड है। स्टोक्स को मैंने आपको बोला था कि एक ब्रीफ रिवीजन आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जाके स्लाइड मैकेनिक्स में, दोनों में वहाँ पे आप लोग को डिटेल में बताया गया है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। स्टोक्स लॉ सेटलिंग वेलोसिटी भी है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी सेटलिंग वेलोसिटी डी के ऊपर यानी कि पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और पार्टिकल के साइज का जो यूनिट है वो मीटर में है। हमारे नाउ एंड ऑनवर्ड फ्लूइड मैकेनिक्स के यूनिट पे हम लोग को बहुत फोकस रखना है क्योंकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यूनिट के कारण ही ट्विस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन रहेगा बहुत सिंपल सा, लेकिन उनके लेवल को चेंज करने में यूनिट का बहुत बड़ा आधार होता है। यूनिट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये वाला फर्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक, और रिमेनिंग इक्वेशन आपके अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको भी हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। और देन ये हमारे पास एक डायग्राम था हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक का, जिसको हम लोगों ने देखा क्या कि पार्टिकल इंक्लाइंडली मूव करते हैं और ये फाइनल सेटल होकर स्लज एरिया से स्लज डिस्चार्ज से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें कुछ अजम्पशन, ये दो अजम्पशन के बेसिस पे हम लोग इसके अंडरस्टैंडिंग को बनाए थे। एक पहला अजम्पशन क्या था, पार्टिकल जैसे ही सेटलिंग जोन में जाएगा उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, सेटल्ड कंसिडर कर लेंगे।
एज सुन एज द पार्टिकल रीच इट सेटलिंग जोन विल कंसिडर इट एज अ सेटल्ड पार्टिकल। और दूसरा था कि अलग अलग लेवल पे हमारे पास अलग सेम साइज के पार्टिकल रहेंगे। इस हाइट पे जिस साइज का पार्टिकल रहेगा वो हर एक पॉइंट पे इसी हाइट पे सेम रहेगा, उसके नीचे वाले हाइट पे पार्टिकल का साइज चेंज कर जाएगा। मान लो कि यहाँ पे अगर डी साइज का पार्टिकल था तो यहाँ पे अगर डी डैश आ जाएगा। दूसरा अजम्पशन ये कह रहा था कि अजम्पशन है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। उसके बाद इस डायग्राम को हम लोगों ने इन डिटेल देख लिया था कि पॉइंट ए पे पार्टिकल रहेगा तो क्या रहेगा, और किसी रैंडम पॉइंट पे हमारा पार्टिकल आएगा तो क्या करेगा, सेटलिंग जोन कैसे वर्क करेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था जिसपे दो इक्वेशन को हम लोगों ने रिलेट किया था, और वो था टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो। किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल फ्लो करने में जितना टाइम चाहिए उसी टाइम के अंदर हमारा पार्टिकल सेटल कर जाना चाहिए, सेम टाइम हमारा वर्टिकल फॉल में भी लगना चाहिए। उन दोनों को हम लोगों ने इक्वेट कर लिया इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को, और हमारे पास आ गया सेटलिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू टू बाई बी एल। इससे ये पता चला कि हमारा सेटलिंग वेलोसिटी एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि मतलब डेप्थ के ऊपर, डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टाइम के ऊपर हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है, डेप्थ के ऊपर हमारे पास सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा, ये बातें हम लोग क्लियर हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये क्विक रिविजन कर रहे हैं कल के क्लास का। यहाँ पे वही बात लिखा हुआ था कि डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ एंड विड्थ के ऊपर डिपेंड करता है, बट एच के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, उसकी एक रैंडम हाइट डिवाइडेड बाई टोटल हाइट इज इक्वल टू रैंडम सेटलिंग वेलोसिटी, रैंडम हाइट डिवाइडेड बाई सेटलिंग वेलोसिटी या ओवरफ्लो वेलोसिटी हम लोग कहेंगे। ये इक्वेशन के बेसिस पे आपके पास हर ईयर या हर अल्टरनेट ईयर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा प्रीवियस ईयर में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, गेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी और ये भी दोनों। तो ये भी ये पता चल गया कि ओवरफ्लो रेट इंक्रीज करेगा, सेटलिंग वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा, इसको भी मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। और ये डिजाइन था हमारे पास, डिजाइन हम लोगों को आएगा नहीं लेकिन एक स्टेप पता होना चाहिए कि अगर कभी कहीं पे कन्वेंशनल लिख रहे हैं, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर कन्वेंशनल लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग रहे। तो आप लोगों के पास वेलोसिटी और डिस्चार्ज दिया होगा, उसे हम लोग एरिया निकाल देंगे, आपका टोटल एरिया आएगा, लेंथ और विड्थ के बीच में एक रिलेशन होगा, उससे हम लोग लेंथ और विड्थ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू टीडी। टीडी क्या होता है, डिटेंशन टाइम होता है, डिटेंशन टाइम। ये आपका पानी कितने देर तक सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर है, और टोटल हाइट हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ द टैंक प्लस फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया। तो ये थे आपके पास कुछ पैरामीटर जिसको हम लोगों ने देखा था, और मैंने बोला था कि आपसे ये पैरामीटर, दिस वन, ओवरफ्लो रेट एंड रिटेंशन टाइम एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये याद रखना है। और ये पूरा का पूरा वैल्यू आपके डिजाइन करने में हेल्प होगा। फ्री बोर्ड आपको नॉर्मली 0.3 मीटर, डेप्थ ऑफ टैंक नॉर्मली हम लोग 3 मीटर लेते हैं, डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली डिमांड होता है, विड्थ इज नॉर्मली 10 से 12 मीटर ये चेंज कर रहा होता है। तो जो यहाँ पे कल मैंने डिस्कस नहीं किया था वो ये था कि बेटा यहाँ पे देखो यूनिट क्या है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट है लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, क्या वाहियात सा यूनिट है, कह रहा है क्या, मान लेते हैं कह रहा है क्या 12,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर
ऐसा यूनिट तो हम लोग कभी बचपन से आज तक नहीं पढ़े, लीटर पढ़े हैं, मीटर स्क्वायर पढ़े हैं, डे पढ़े हैं, या लीटर पर डे पढ़े हैं, लेकिन ये तीन यूनिट क्यों दिया हुआ है यहाँ पे? तो ये तीन यूनिट देने का कारण ये है कि जैसे ही आपको इस तरह का यूनिट दिखे, लीटर यानी कि क्या बेटा कह रहा है यहाँ पे, मीटर क्यूब कह रहा है। लीटर को हम लोग, मैंने बताया था 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कि पहला टर्म जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट किया? ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट किया। ये आपका रिप्रेजेंट किया वॉल्यूम, रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम। दिस यूनिट रिप्रेजेंट एरिया, रिप्रेजेंट एरिया, पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग एरिया एंड दिस यूनिट डे, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग टाइम। दैट मीन्स इफ सच टाइप ऑफ यूनिट इज गिवेन इन योर क्वेश्चन पेपर, इट रिप्रेजेंट दीज थ्री पैरामीटर्स, वॉल्यूम, एरिया एंड टाइम। इफ सच टाइप ऑफ यूनिट इज गिवेन इन योर क्वेश्चन, then it represent by the using of this parameter we can find out the volume, area and time. On the same guideline we can say that with the help of overflow rate, with the help of overflow rate we are able to calculate volume of the tank, area of the tank and detention time. Or we can say that with the help of overflow rate we can able to calculate discharge. If we remove area, we can get, if we remove area, then what will be remaining? Liter per day. Liter per day can also be converted into meter cube per second. Meter cube per second. And we know very well that the meter cube per second is the unit of discharge or mass flow rate. Both are the same thing. Okay? So overflow rate से हम लोगों को ये पता चला कि इस पर्टिकुलर पैरामीटर को यूज करके हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम डिटेंशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन आपके पास एग्जाम्स में बहुत पुराना यूज होगा, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्या होता है? हम लोगों ने डिजाइन किया एक चैनल, ठीक है, और चैनल में हम लोगों ने फाइंड किया कि हर एक पार्टिकल, ठीक है, हर एक पार्टिकल को फ्लो करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। हर एक पार्टिकल को जो हमारे टैंक में एंटर कर गया है उसको फ्लो करने में 10 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे नियर एंट्री, नियर एंट्री एंड नियर एग्जिट, नियर एंट्री एंड नियर एग्जिट, जिनको इंटर और एग्जिट करने में हो सकता है कि टाइम लेस देन 10 मिनट लगे। तो टाइम कितना लगे बेटा? लेस देन 10 मिनट। टाइम कितना लगे बेटा? लेस देन 10 मिनट। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हमारे पास डिटेंशन टाइम था, उस डिटेंशन टाइम में हमारे पास पार्टिकल नहीं गया और पार्टिकल जल्दी निकल गया। तो वही कहता है यहाँ पे, इफ वाटर फ्लो आउट थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक विदाउट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप लोग जब नोट लिखेगा तब फुल फॉर्म कर लीजिएगा, विदाउट बींग डिटेन्ड फॉर टीडी, टीडी मतलब डिटेंशन टाइम, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड वॉट? It is called short circuiting. It is called short circuiting. दूसरा पॉइंट है नैरो टैंक। अगर टैंक हमारा पतला होगा तो हमारे पास लो शॉर्ट सर्किटिंग होगा, बिकॉज
लेस डिस्टर्बेंस एट इनलेट एंड आउटलेट, मैंने यहाँ पर पहले ही बोला था एंट्री और एग्जिट पे ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो अगर हमारा चैनल पतला होगा तो एंट्री और एग्जिट पे डिस्टर्बेंस कम होगा और शॉर्ट सर्किटिंग का चार्ज कम हो जाएगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा वाटर बिना डिटेंशन टाइम में गए वाटर सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकल जाए। सेडिमेंटेशन टैंक का काम क्या रहता, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उनको सेटल कराना। तो वैसा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो बिना सस्पेंडेड पार्टिकल को सेटल कराए हुए सेडिमेंटेशन टैंक से बाहर निकल जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास जो आगे ट्रीटमेंट करने के लिए यूनिट है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। वो यूनिट क्या करेगा, इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। कभी हम चाहेंगे कि हमारा आगे आने वाला ट्रीटमेंट यूनिट इफेक्टिवली वर्क नहीं करे, ऐसा नहीं चाहेंगे। तो उनको इफेक्टिव वर्क कराने के लिए हम लोगों को शॉर्ट सर्किटिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी क्या होता है, फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम। फ्लो थ्रू पीरियड मतलब एक्चुअल जितना टाइम लग रहा है फ्लो होने में उसको कहते हैं फ्लो थ्रू पीरियड, और थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम इंटू 100। यही क्या बता देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी बता देगा। क्या बता देगा उसका, डिस्प्लेसमेंट इफिशियंसी बता देगा, फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम, फ्लो थ्रू पीरियड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल डिटेंशन टाइम, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट सर्किटिंग के ऊपर। ये हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा है रेक्टेंगुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक के लिए देखा था, और एक पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि कल भी मैंने बताया था कि आपका जो रेक्टेंगुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक होता है, रेक्टेंगुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक होता है उसमें जो पार्टिकल सेटल करता है वो लीनियर करता है। यहाँ पे रेड कलर से मैंने दिखा रखा तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीनियर सेटलमेंट। लीनियर सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल, लीनियर सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। आप लोग नोट्स में जब लिखिएगा तो वहां पे मेंशन कर दीजिएगा लीनियर सेटलमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, क्लियर है। तो लीनियर सेटल ऑफ पार्टिकल किसमें होगा, रेक्टेंगुलर फ्लो सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। नेक्स्ट क्या आता है बेटा, सर्कुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक। सर्कुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक में यहाँ पे देखिए पाथ रेड कलर से मैंने दिखा रखा है, तो पार्टिकल फॉलो पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, पार्टिकल फ्लो पैराबोलिक पाथ ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। ये वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको याद रखना होगा, गेट के लिए इम्पोर्टेंट है। गेट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन भूल जाए, ठीक है। तो ये इम्पेरिकल इक्वेशन वी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इन टू 0.785 एच प्लस 0.011 डी। तो इसको सारे पैरामीटर्स आपके पास दिए रहेंगे, एच ऑफ डेप्थ टैंक दिया रहेगा यानी कि डेप्थ ऑफ टैंक दिया रहेगा, एच क्या है हाइट या डेप्थ रहेगा, क्या है डाया, डाया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, डाया ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। देन वी क्या है, Q into TD, V क्या बेटा, Q into TD, Q क्या है बेटा डिस्चार्ज है और TD क्या है डिटेंशन टाइम है। तो वॉल्यूम हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास गिवन डेटा कौन सा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। एक आता है वीयर लोडिंग रेट जिसका सरफेस लोडिंग रेट भी कहते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे सर्कुलर टैंक में सरफेस लोडिंग रेट को हम लोग वीयर लोडिंग रेट के नाम से जानते हैं, डिस्चार्ज बाई पाई भी कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करता है, 3000 लीटर या 3000 मीटर क्यूब, 300 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे, 300 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे से लेकर 1500 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे तक होगा।
अब यहाँ पे यूनिट ये बता रहा है वॉल्यूम, ये बता रहा है लेंथ एंड ये बता रहा है टाइम। तो क्वेश्चन ये राइज करता है सर ये लेंथ किसका बता रहा है, ठीक है, ये लेंथ किसका बता रहा है, पेरी फेरी का डायमीटर जो होता है ना हमारे पास, पेरी फेरी पेरीमीटर, पाई डी किसको कहते हैं, पेरीमीटर को कहते हैं, ये वही बता रहा है, ठीक है, पेरीमीटर का लेंथ बता रहा है, 2 मीटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है, ये गेट में पूछा जाता है, तो गेट में आप लोगों को इस तरह से पूछेगा कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक हैविंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमीटर, कुछ पैरामीटर देगा 0.3 मीटर एंड डेप्थ इज 3 मीटर। तो आप लोगों को इस इक्वेशन को यूज करके फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली वो वाला नॉर्मल 5/4 × d² × h वाला इक्वेशन लगा के वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो वाला सिंपल सिलेंड्रिकल सेक्शन के लिए होता था। यहाँ पर सिलेंड्रिकल सेक्शन के साथ साथ क्या है, आपका सेडिमेंटेशन टैंक भी है सर्कुलर सेक्शन के साथ, तो और भी इक्विपमेंट और अरेंजमेंट यहाँ पे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये आपका सर्कुलर टॉप है और नीचे से आपका वाटर को सप्लाई किया जा रहा है और वही वाटर आपका इधर और इधर जाके गिर रहा है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक यूज नहीं होता है जनरली, क्योंकि ये बड़े पॉपुलेशन हो गए हैं सारे सिटीज में, तो हम लोग रेक्टेंगुलर कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट लिए हैं इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है दी स्फेरिकल ग्रिड पार्टिकल हैविंग रेडियस ऑफ, क्या वर्ड यूज किया बेटा यहाँ पे, रेडियस ऑफ 0.01 mm, यूनिट का ध्यान रखना है और किस चीज के बारे में कह रहा है वो ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने डी जब भी पढ़ा था तो डायमीटर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल का बात किया था, लेकिन यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल 0.01 mm, having the specific gravity 3.0, having the specific gravity 3.0, need to be separated in a settling chamber. It is given that acceleration due to gravity 9.81 meter per second square, density of the liquid 1000 and the kinetic viscosity of the liquid is this much, 10⁻⁶ meter square per second. अज्यूम लेमिनार कंडीशन, बेटा ये लाइन लिखने का इंटेंशन ये था कि ये बता दे कि आपको स्टोक्स लॉ के इक्वेशन को यूज करना है। ये लेमिनार कंडीशन लिखने का इसका इंटेंशन ये था कि ये आपको बता रहा है कि इस क्वेश्चन में जो भी पैरामीटर पूछा जाएगा उस पैरामीटर में आप लोगों को स्टोक्स इक्वेशन को यूज करना है। क्या कहता है, अज्यूमिंग लेमिनार कंडीशन सेटलिंग वेलोसिटी, तो दूसरा क्वेश्चन था 2 नंबर का था, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं क्या होता है, रेडियस दे रखा है 0.01 mm, तो हम लोग का डी कितना हो जाएगा बेटा, इंटू टू आर कितना हो गया, 0.02 mm हो गया, ठीक है। सारे पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे पहले लिस्ट आउट कर दें, जो भी दिया था, जी गिवन था, स्मॉल जी गिवन था, डेंसिटी वाटर गिवन था एंड काइनेटिक विस्कोसिटी गिवन था। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकल के आता है वो g-1 इंटू जी डी स्क्वायर बाई 18 न्यू आएगा, ठीक है। सारे वैल्यूज को हम लोग प्लेस करेंगे यहाँ पे, जी छूट गया है सर लिखना, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन पर लोग देखते हैं कहाँ से आया ये,
ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तीन रिलेशन निकल के आएंगे, तीन रिलेशन निकल के आएंगे, और इन तीन रिलेशन के ही बेसिस पे हमको देखना पड़ेगा। तो हमारे पास निकल के आया ये वाला इक्वेशन, गिवन डेटा जो है वो इनके ऊपर पूछा हुआ है, जी माइनस वन इंटू जी टी स्क्वायर बाई 18 में। सेटलिंग वेलोसिटी बता रहा है, तो जी माइनस वन, जी है आपका थ्री, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन टू हो गया, टू इंटू 9.81 इंटू डी स्क्वायर, डी आपका एमएम में गिवन था, डी का वैल्यू किस में गिवन है बेटा, एमएम में गिवन है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने डिवाइडेड बाई 1000 स्क्वायर बाई 18, तो न्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रेस टू पावर माइनस सिक्स कर देंगे, 10 रेस टू पावर माइनस सिक्स हो देंगे, 0.9 इस इक्वेशन में जब हम लोग प्लेस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्लियर है, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन बन के आया वो डायरेक्ट हमारे पास उनके ऊपर बेसिस बेस था जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अभी देखा था, पता ही नहीं चल रहा। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 1 m³/s, कैपेसिटी कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, 1 m³/s। आप लोगों को अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार कॉपी में लिखिए, अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 1 m³/s, ऑफ कैपेसिटी 1 m³/s हैज फिल्टर ऑफ डायमेंशन, हैज फिल्टर ऑफ डायमेंशन 6 × 10 m, हैज फिल्टर ऑफ डायमेंशन 6 × 10 m, फिल्टर ऑफ डायमेंशन 6 × 10 m, 6 × 10 m, फुल स्टॉप। लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर इज, लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर इज 120 m³/d/m² 120 m³/d/m² अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि सर ये मीटर स्क्वायर तो आगे होना चाहिए था, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, आप किसी भी मैनर में लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग इसका सेम है, सर क्यू पर मीटर डे पर स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ था, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। व्हेन टू ऑफ द फिल्टर आर आउट ऑफ सर्विस, व्हेन टू ऑफ द फिल्टर आर आउट ऑफ सर्विस, two of the filter are out of service for backwashing, for backwashing the loading rate, the loading rate in meter cube per day per meter square is what, loading rate of backwashing meter cube per day per meter square is what, पर मीटर स्क्वायर इज वाटर, मीटर स्क्वायर इज वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको, यस और नो?
करणदीप, क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने? हाँ एक बार कुछ फिर से रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चन को। अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ कैपेसिटी 1 m³ पर सेकेंड हैज अ फिल्टर बॉक्स ऑफ डायमेंशन 6 × 10 m। लोडिंग रेट ऑफ फिल्टर इज 120 पर मीटर क्यूब पर डे। व्हेन टू ऑफ द फिल्टर आउट ऑफ सर्विस फॉर बैक वॉशिंग लोडिंग रेट इज व्हाट। कहता है कि आपके पास एक ट्रीटमेंट प्लांट है जिसके पास जिसका डिस्चार्ज है 101 m³/s। जिसका डिस्चार्ज कितना कह रहा है वो 1 m³/s है, और बोल रहा है कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है इसमें बहुत सारे फिल्टर यूनिट हैं, और एक फिल्टर यूनिट जो है, हर एक फिल्टर यूनिट जो है उसका डायमेंशन है 6 m × 10 m, 6 m × 10 m, 6 m × 10 m हर एक फिल्टर का डायमेंशन है। और बोलता है क्या कि कुछ n नंबर ऑफ फिल्टर होगा, ठीक है, अभी बताया नहीं है ये क्वेश्चन में, वो आपको फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना है। कुछ n नंबर ऑफ फिल्टर होगा, इस n नंबर ऑफ फिल्टर में से दो फिल्टर फंक्शन में फेल हो जाता है, खराब हो जाता है दो फिल्टर किसी कारण से। तो अब बोलता है क्या कि अब आपके पास जो नया फिल्टर का नंबर आएगा वो n1 हो गया, जो नया नंबर ऑफ फिल्टर आया वो n1 हो गया। तो दो दो फिल्टर खराब हो गया है, तो जो दो फिल्टर का लोड होगा वो बाकी फिल्टर पर डिवाइड करना होगा। तो आपको लोडिंग रेट बताना है, यानी कि n नंबर ऑफ फिल्टर के लिए लोडिंग रेट था 120, तो n-2 फिल्टर के लिए आपको लोडिंग रेट बताना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फिल्टर कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनका जो डायमेंशन है इनको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डिस्चार्ज दे रखा है, तो डिस्चार्ज दिया है m³/s में। इसको अगर हम लोग m³/d में निकालेंगे, और तो फिर हम लोग ऐसे करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। वॉल्यूम ऑफ वाटर पर डे, ठीक है, तो 1 m³/s दिया हुआ था, उसको सेकंड को हम लोग डे में कन्वर्ट कर दिए। तो एक सेकंड, एक मिनट में, एक दिन में 24 घंटे, और एक घंटे में 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड। यहाँ से हमारा इतना 86,400 m³ टोटल वॉल्यूम आ गया, और हमारा सरफेस ओवरफ्लो रेट देखा रखा था 120 m³/d/m². तो हम लोगों ने क्या किया, अगर इसको मीटर क्यूब को ऐसे समझे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम को, मीटर क्यूब को नॉमिनेटर में रखें और वापस से m³/d/m², ये अगर डिनोमिनेटर में रखें, यहाँ पे भी m³/d ही होगा, ठीक है, पर डे का यहाँ पे बात हो रहा है, ऊपर मैंने लिखा है, तो यहाँ से m³/d m³/d कैंसिल हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर में है m², तो ये m² कहाँ चला जाएगा बेटा, नॉमिनेटर में चला जाएगा, m² / 1 हो जाएगा। तो m² / 1 यानी कि m² कह रहा है, m² / 1 दैट मीन्स कि m², यानी कि ये हमें क्या बता देगा, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या निकल गया हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, तो टी लिख दो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 86,400/120, 720 m², यानी कि हमारे पास जो टोटल एरिया है फिल्टर का वो 720 m² है। और कह रहा है कि आपके पास एक फिल्टर का यूनिट कितना है बेटा, 6 × 10 दैट मीन 60 m², तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फिल्टर कितना हो जाएगा, 720 / 60, 720 / 60 हमारे पास निकल गया टोटल नंबर ऑफ फिल्टर का, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब फिर कहता है क्या कि आपका दो फिल्टर वर्क नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से खराब हो चुका है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्किंग फिल्टर कितना आ गया बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ एक्टिव फिल्टर या नंबर ऑफ वर्किंग फिल्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फिल्टर माइनस डीएक्टिवेटेड या फेल्ड फिल्टर, तो 10 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ एरिया हमारे पास कितना वर्किंग होगा, तो टोटल नंबर ऑफ एरिया वर्किंग होगा 600 m². तो वो आपसे पूछ रहा था क्या सरफेस ओवर फ्लो रेट निकालने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या था, ये आपका था m³/d, ठीक है, और इसको आप लोगों ने फिर डिवाइड कर दिया m² से, तो
फिर से किसे डिवाइड कर दिया, मीटर स्क्वायर से। तो आपका जो आंसर आ गया 144 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। अब बोलिए कौन क्वेश्चन बेस्ट किया था। 720 एक बार फिर से बताना, वो यूनिट कैसे चेंज करके निकालना है। ये हाँ जी सर, वाली हाँ जी सर, यूनिट कैसे करना है कोई बात। ये एक बार सीखने का बात है, फिर से देख लेते हैं। कि मैं वैसे भी दोबारा बताता, एक बार में क्लियर होता नहीं है ये पूरा। अब आपके पास ये पूरे ट्रीटमेंट में आपको है ना सिर्फ यूनिट में गेम करेगा। फिर से देखो, सरफेस ओवर यहां से देखते हैं, आपके पास डिस्चार्ज कितना दे रखा है बेटा, डिस्चार्ज दे रखा है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अगर हम लोग एक दिन की बात करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 24, एक दिन में 24 घंटे, हर एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड, तो यानी कि ऊपर भी क्या आ गया आपके पास, ये सेकंड आ गया। ठीक है, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक दिन का टोटल वॉल्यूम बचा, यानी कि आपके पास कितना 1 मीटर क्यूब वाटर कब आ रहा है, कितने दिन में आ रहा है, एक दिन में आ रहा है, 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर डे में आपका आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है कि आपके पास सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया है 120 मीटर क्यूब पर मीटर पर डे पर मीटर स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे 1 नहीं होगा, 86400 होगा, ये आपका होगा 86400। इस वैल्यू को आप लोग याद भी रख सकते हैं, बहुत बार यूज होगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर डे, यानी कि एक दिन में आपके पास इतना वाटर आया, यही हुआ। एक वन डे में टोटल इतना सेकंड होता है, तो सेकंड बाय सेकंड कैंसिल हो गया, तो एक दिन का बात हुआ। आपके पास डिस्चार्ज सरफेस ओवरफ्लो रेट जो है वो 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, टोटल एरिया हमको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए यहाँ पे आपका है 86400। ठीक है, इसका यूनिट क्या है बेटा, मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर डे। और मैंने कहा कि इसको डिवाइड कर दो सरफेस ओवर फ्लो रेट से, सरफेस ओवर फ्लो रेट से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, और 120 क्या दिया हुआ है, आपका यूनिट दिया हुआ है 120 मीटर, 120 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं 120 मीटर क्यूब लिखोगे, मीटर क्यूब पर डे, पर डे के कारण डे ऊपर चला जाएगा, फिर मीटर क्यूब के ही नेचर क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो इसको भी जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये डे और ये डे कैंसिल आउट हो गया, और ये 120 से इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया था, 720। क्या आ गया था, 720। और ये 720 के बाद अब यहाँ पे बचा क्या सिर्फ हमारे पास, मीटर स्क्वायर। अब हवा लगा शिवम सत्यम, क्लियर है जी सर। तो आपके सारे क्वेश्चन इसी तरीके से बनेंगे, आपको पेशेंटली अपने रफ पैड पे गेट के एग्जाम में उसको सारे यूनिट को ध्यान में रख के लिखना है कि मेरा सेकंड से डे में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, डे से सेकंड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर क्यूब में है या लीटर में है, वो आपको यूनिट में कंफ्यूज करेगा। आपके पास कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, लेकिन आप यूनिट में एरर कर सकते हैं। तो यूनिट के एरर से आप बचने के लिए सबसे पहले जो क्लास में मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, इस सेम क्वेश्चन को आप लोग वापस अपने नोटबुक में ऐड करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन हो वापस से लेक्चर को देखिए, और जब ये सारा काम हो जाए तो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन को उठाइए और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए।
आप गेट के 2020 तक के सारे क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व कर लेंगे, यू पीपल आर कैपेबल टू सॉल्व इच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वट एवर दे विल आस्क इन फ्यूचर, क्योंकि इससे ज्यादा वेरिएशन वो और ज्यादा दे नहीं पाएगा। बहुत होगा तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर देगा, डे को मंथ में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा वो गेम आपके साथ नहीं कर सकता है। ठीक है सर, सर जैसे यहाँ पे मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर है, तो सर डे का तो समझ में आ गया कि ऊपर चला गया, और डे के बाद जो पर मीटर स्क्वायर है सर वो ऊपर गैस क्यों नीचे नहीं आएगा वो? ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, मीटर क्यूब पर डे ये है। हाँ जी सर, इसको ब्रैकेट में डाल दो। जी सर, अब बताओ, अब समझ में आया? हाँ जी सर, अब वो हवा लगा जी? ठीक है सर, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है सारे लोगों को। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे उसमें मैंने आंसर में यूनिट गलत लिखा है मेरे ख्याल से। यस, यहाँ पे मैंने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पे यूनिट गलत लिखा हूँ। 0.436 mm पर सेकंड, क्योंकि मैंने ऐसा शायद क्वेश्चन में भी यही दिया होगा इसी यूनिट को। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, क्वेश्चन में आंसर किसमें पूछ रहा है बेटा? mm पर सेकंड में। ये भी आपके गेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि गेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले सारा यूनिट आपका मीटर में होना चाहिए स्टोक्स लॉ के इक्वेशन को सेटलिंग वेलोसिटी के लिए, लेकिन इसने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया मीटर में तो हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए mm में। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 1000। ये 1000 मैंने मीटर को mm में कन्वर्ट करने के लिए किया है। ठीक है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका g इंटू डी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आया कितना? 144। ये क्वेश्चन क्लियर है या किसी को प्रॉब्लम? सरताज, करणदीप, रितु, सत्यम, आशीष, पूजा, शिवानी, आकाश, अक्षय, किसी को? नवराज, क्लियर। अरे मेरा सरताज नहीं दिख रहा है, सरताज ये रहा। दिव्या भाई, सीक्रेट गेम तुम्हारा नाम पढ़ने के बाद रिवाइज करने का मन कर रहा है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, कल रात मैंने हिंदी मीडियम मूवी देखा। ठीक है, क्लियर क्लियर, शिवानी क्लियर, अक्षय क्लियर, करणदीप, चलो थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी मूवी देखना जरूरी हो जाता है, बहुत दिन बाद कल मूवी देखा हिंदी मीडियम, इरफान खान की है, बहुत वर्सेटाइल एक्टर था। अभी भी उसका मूवी चल रहा था मेरे फोन में, मडारी, कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग के लेक्चर के बाद कंप्लीट करेंगे। हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बताया है, ये वाला कॉन्सेप्ट बताया आप लोग को, वी एस डैश बाई वी एस इंटू 100, ये हम लोग पढ़े ना? हाँ पढ़े, और मैंने एक्सरसाइज भी किया था आप लोगों को, क्योंकि ये यहाँ से गेट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, पहले एकदम आराम से क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ए हॉरिजॉन्टल फ्लो प्राइमरी क्लेरिफायर, बेटा नया वर्ड यूज किया यहाँ पे, प्राइमरी क्लेरिफायर, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। इसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा, या फिर सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक। जो सेडिमेंटेशन है टैंक हम लोग पढ़े हैं उसी का दूसरा नाम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, उसी को हम लोग प्रिलिमिनरी सेडिमेंटेशन टैंक कुछ भी नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, या प्रिलिमिनरी क्लेरिफायर, क्लेरिफायर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाटर को क्लियर करता है। ट्रीट वेस्ट वाटर इन विच, ये वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है, इन विच 10%, 60% एंड 30% ऑफ पार्टिकल हैड बीन सेटल्ड
with a velocity of 0.1, 0.2 and 1 meter per second respectively. बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर दिया है, ठीक है। ये कहता है कि हमारे पास 10%, 30%, 30% एंड 60% ठीक है, क्या कहते हैं, सॉरी 160 एंड 30 है, तो रिमूव करता है 0.1, 1 एंड 2। वेलोसिटी कितना है 0.1, 1.0 एंड 0.2। यूनिट ध्यान रखना है हमेशा हम लोगों को, यूनिट किस में दे रखा है, एमएम पर सेकंड में दे रखा है। यूनिट इज गिवन इन एमएम पर सेकंड। यूनिट का बेटा एकदम यूनिट के साथ है ना, यूनिट को तुम यहाँ पे एकदम नहीं छोड़ सकते, ठीक है भैया। दिया है सेम पैरामीटर, व्हाट वुड बी द टोटल परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूवल इफ क्लेरिफायर ऑपरेटेड एट अ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 43.2 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। सरफेस ओवरफ्लो रेट आपके पास गिवन है और तीन वेलोसिटी गिवन है, आपके पास तीन तरह के वेलोसिटी हैं, एक 0.1 mm, एक 0.2 mm और एक 1.0 mm पर सेकंड। 0.1, 0.2 एंड 1.0 mm पर सेकंड वेलोसिटी है और कहता है क्या कि इसमें से पार्टिकल का साइज क्या है, 10 mm, 10%, 60% एंड 30% और सरफेस ओवरफ्लो रेट है। वो तो बोल रहा है क्या कि आपके पास तीन तरह के वेलोसिटी हैं और सरफेस ओवरफ्लो रेट ये रहा, आप बताइए कि हमारे टैंक में से टोटल सस्पेंडेड सॉलिड में से कितना सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव होगा। तो याद करो सबसे पहले वो बात जब मैंने आपको सेटलिंग टैंक पढ़ाते समय बताया था कि हम जब भी सेटलिंग टैंक डिजाइन करेंगे तो किसी स्पेसिफाइड साइज ऑफ पार्टिकल के लिए डिजाइन करेंगे जिसका साइज होगा डी। याद आया मैंने बोला था, और D1 वैसा पार्टिकल होगा जिसका साइज ग्रेटर देन डी होगा, जिसका साइज ग्रेटर देन डी होगा, ठीक है। और ये भी मैंने बोला था कि ये 100% रिमूव कर जाएगा, ये 100% रिमूव करेगा, ये भी 100% रिमूव करेगा, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल होंगे जिनका साइज D2 होगा और वो 100% रिमूव नहीं कर पाएंगे, और वो 100% रिमूव नहीं कर पाएंगे, वो कितना रिमूव करेंगे, लेस देन 100% रिमूव करेंगे। और ये लेस देन 100% रिमूव कितना होता है ये हमें पता नहीं, किसी को हम लोगों को पता लगाना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड दिस वन, तो कैसे करते हैं इसको देखिए, आपके पास सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा है 43.2 मीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, मीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। अगर इस मीटर स्क्वायर और इस मीटर को काट देंगे तो हमारे पास मीटर पर डे बचेगा, तो मीटर पर डे को हम लोग वेलोसिटी के नाम से जान सकते हैं। तो हमारे पास जो डिजाइन वेलोसिटी था वो 43.2 मीटर पर डे था, लेकिन हमको चाहिए यूनिट किस में, एमएम पर सेकंड में। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो एमएम पर सेकंड में है, यूनिट कन्वर्जन और कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने यूनिट कन्वर्ट करके मीटर को एमएम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 मल्टीप्लाई किया, और डे को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में मैंने आपको पहले ही बोला था 86400 याद रखिएगा, उसी को हम लोग इलेबोरेट करके लिखे हैं आपने, 24 आवर पर आवर हैविंग 60 मिनट एंड पर मिनट हैविंग 60 सेकंड। इनको जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो वेलोसिटी निकल के आया वो ये रहा 0.5 mm पर सेकंड, तो 0.5 mm पर सेकंड। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी 0.5 mm के बराबर या उससे ज्यादा हो तो 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, 100% रिमूवल ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, और वैसे पार्टिकल वैसा वेलोसिटी जो लेस देन 0.5 mm हो उसका लेस देन 100% रिमूवल होगा। ये बात पढ़े हैं, ठीक है, ये सब ना ये बात पढ़े। अब वापस से क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास 0.5 mm से बड़ा वेलोसिटी कितना है, ये रहा 1
एमएम पर सेकंड है। तो कहता है कि 1 mm पर सेकंड जिसका वेलोसिटी है उसका 30% पार्टिकल है, उसका पार्टिकल कितना है 30% है, और रिमेनिंग 0.2 एंड 0.1 का 60 और 10% है। ठीक है, तो उसको परसेंटेज निकालने के लिए 30% तो 100% रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और रिमेनिंग जो 60% पार्टिकल है वो कितना रिमूव होगा, तो हम लोग वो वाला इक्वेशन लगवाएंगे Vs डैश बाई Vs। तो ये आपका क्या है बेटा, Vs है, और क्वेश्चन में आपके पास Vs डैश दिया हुआ है, तो ये आपका Vs डैश बाई Vs किसके लिए, 60% ऑफ पार्टिकल के लिए, और ये Vs डैश बाई Vs किसके लिए, 10% ऑफ पार्टिकल के लिए। इस पूरे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 56%। इस पूरे इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा कितना, 56%। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया Vs डैश बाई Vs को, मैंने पहले ही बोला था ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपका एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन ही है। आपके पास तकरीबन जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ या तो वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का बहुत क्लीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन वाला, नहीं तो वो गेट सर्विसेज का, गेट का क्वेश्चन है, या फिर यूपीएससी के जो पहले सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो डिस्कस करता हूँ मैं, क्योंकि अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोग से बार बार एसएससी जेई का क्वेश्चन डिस्कस करना इज नॉट ड्यूटीफुल। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लीजिए आप लोग, एनीथिंग डाउट, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन का लेंथी, क्वेश्चन का डायमेंशन ऐसे ही रहेगा 6-7 लाइन का होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बहुत पप्पू टाइप होगा, एकदम टेंशन नहीं रहना उसको, क्वेश्चन को देख के चील, जस्ट चील। अ टाउन हैज एन एग्जिस्टिंग हॉरिजॉन्टल फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक with an overflow rate of 7 m³/d/m². फिर से देखो सेम तरह का यूनिट दिया, मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, इससे क्या पता चल रहा है बेटा, इससे हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इससे हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, इससे हम लोग डिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं, इससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल सकते हैं, सारे पैरामीटर इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओवरफ्लो रेट सही आ रखा है 70, एंड इट इज डिजायरेबल टू रिमूव, इट इज desirable to remove particle that has settling velocity 0.1 mm/s। फिर से आपके साथ गेम किया, गेम किसने किया, यूनिट में, सारा गेट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट कन्वर्जन खाली दे रहा है। Assume that the tank is ideal sedimentation tank, ये ideal word लिखने का कारण था वो आपको बता रहा है इस क्वेश्चन के लिए, स्टोक्स लॉ वॉलिड है, STOKES स्टोक्स लॉ वैलिड है, आइडियल सेडिमेंटेशन टैंक, द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव इज अप्रोक्सीमेटली, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव के लिए हम लोग पता था क्या याद रखना है बेटा, परसेंटेज ऑफ पार्टिकल रिमूव के लिए Vs डैश बाय Vs इनटू इनटू 100। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ओवरफ्लो रेट दे रखा है ये, और इसको जब हम लोग चेंज करेंगे किसमें, mm पर सेकंड में, इनटू यहाँ पे 1000 लिखना भूल गया हूँ, इनटू 1000 करेंगे तो यहाँ से आपका Vf निकलेगा, और यही हम आपको याद होगा कि मैंने दो टाइम को रिलेट किया था, एक टाइम आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए था और एक टाइम था आपका जो एच हाइट से पार्टिकल सेटल कर रहा है, तो यहाँ से Vs इज इक्वल टू Vf हो जाएगा। ठीक है, और रिमूवल के लिए क्या कौन सा इक्वेशन लिखा है, Vs बाई Vs इंटू 100, सेम इक्वेशन को प्लेस किया, हमारे पास परसेंटेज ऑफ रिमूवल आ गया। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स। बिलीव मी आप में से कोई भी अगर इस नोट को आराम से हमारे सिलेबस को सुना होगा और इस सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करके जाएगा, उनका गेट सिर्फ क्लियर एनवायरमेंट के नाम पे हो जाएगा, क्योंकि एनवायरमेंट से तय है, देखा गया है 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और
जिस लोकेशन को हम लोग पढ़ रहे हैं इस लोकेशन से डेफिनेट क्वेश्चन आता है, दो नंबर का मिनिमम, दो नंबर का, और कभी लिंक्ड क्वेश्चन आ गया तो चार नंबर का, ठीक है, एकदम चार नंबर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूनिट को ध्यान में रख के यहाँ अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब आप बताओ अभी तक जो भी देखे हो इसमें कोई प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए इसमें कोई भी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ बोलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाना चाहिए, पता है। कभी भी कोई डाउट को है ना एक्यूमुलेट मत करना, जब क्लास का सेशन चल रहा हो तुम एक बार रेज कर दो, मुझे इन्फॉर्म कर दो कि हाँ कोई डाउट है, उस डाउट को हम लोग वहीं क्लियर करते चले जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। उस पर कंट्रोल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब तक लेक्चर चल रहा है आप लोग ध्यान से सुनिए। अरे मैं जब गेट निकाला था ना तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ होता है, और इवन क्लासेस व्लासेस पे भी नहीं जा पाता था, कॉलेज में ही था उस समय, सेवन सेमेस्टर उस समय, सेवन एक मतलब थर्ड ईयर के भी बच्चे हैं ना एग्जाम दे सकते थे, 2011-2012 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय ये सारे डाउट ही क्लियर नहीं हो पाते थे, लेकिन तब भी हम लोग लगे रहते थे कि किसी तरीके से भैया गेट निकल जाए हम लोग, ठीक है। आप लोग के पास तो चलिए बहुत सारे हेल्पलाइन है, तो जहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करिएगा। सिंपल है, जो भी क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्व कराया सेम क्वेश्चन को वापस से नोटबुक में लिखिएगा अपने हैंडराइटिंग में और अपने वर्ड्स में उसको सॉल्व करिएगा। और कोई भी लोकेशन आपको जहाँ लगे कि यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहिए जो आप भूल सकते हैं, एकदम बेहिचक वहाँ पे ऐड करते चले जाइएगा। और यहाँ पे 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने इसको एमएम में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यूनिट कन्वर्जन में ही वो आपको हमेशा गेम करेगा। तो हम लोगों ने अभी तक स्क्रीनिंग देखा, फर्स्ट ट्रीटमेंट था, देन एरिएशन देखा, देन हम लोगों ने सेडिमेंटेशन देखा, देन हम लोग देखेंगे कॉग्युलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन, ठीक है, कॉग्युलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन। और सेडिमेंटेशन में ही मैंने दो पॉइंट पढ़ा था, एक आपका प्लेन सेडिमेंटेशन, एक आपका था कॉग्युलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन। तो प्लेन सेडिमेंटेशन अभी तक हम लोगों ने देख लिया, कॉग्युलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन हम लोग इसी टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ बैक टू बैक, ठीक है। तो कॉग्युलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन जो होगा वो कॉग्युलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन के साथ ऐसे मिला हुआ है, ठीक है। जब तक एक को नहीं पढ़ेंगे दूसरा नहीं समझ पाएंगे, और दूसरे को समझने के लिए पहला पढ़ना जरूरी होगा। तो हम लोग कॉग्युलेशन एंड फ्लॉक्युलेशन समझते हैं, बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। आप ऐसे समझो, आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, आपको वीकनेस फील हो रहा है तो आप प्लेन वाटर पियेंगे कोई मतलब नहीं बनता, वो सिर्फ आपकी प्यास को बुझाएगा, ठीक है। लेकिन उसी वाटर में अगर हम एक दो चम्मच ग्लूकोज मिक्स कर दिए, आधा नींबू डाल दिए और थोड़ा सा नमक डाल दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन पाउडर की तरह वर्क करेगा, और जब हम लोग उसको कंज्यूम कर जाएंगे तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस ले आएगा, ठीक है। और जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर चेंजेस ले आएगा तो आपके वर्क करने की इफिशियंसी इनहेंस कर जाएगी, ये सर नो, आपके वर्क करने की इफिशियंसी क्या हो जाएगी बेटा, इनहेंस कर जाएगी, फिट हो सकते। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक सिंपल वाटर लिया, उसमें कुछ केमिकल ऐड किया, केमिकल क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है, सॉल्ट था एंड लेमन था, इन तीनों को हम लोगों ने मिक्स किया, तो वाटर के अंदर कुछ प्रॉपर्टी में केमिकल चेंजेस आया, और जिसको आप लोग कंज्यूम किए तो उस केमिकल चेंजेस के कारण आपके अंदर की इफिशियंसी इंक्रीज कर गई, आपके अंदर की इफिशियंसी क्या हो गई बेटा, इंक्रीज कर गई। तो ये था, हम लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ से एक पॉइंट को रिलेट किया। अब हम लोग इसको समझते हैं हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं। वो सारे पार्टिकल जो हमारे पास प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो सकते थे किसी डिटेंशन टाइम टीडी के अंदर, ठीक है,
डिटेंशन टाइम टीटी के अंदर कुछ बड़े साइज के पार्टिकल होंगे जो सेटल कर सकते थे, वो तो सेटल कर गए, वो सेटल कर गए। लेकिन अब क्या था, कुछ वैसे पार्टिकल भी जो बहुत छोटे छोटे हैं वो रह गए। वो क्या रह गए, वो हमारे सेडिमेंटेशन टैंक में ही रह गए। तो उनको भी रिमूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी ट्रीटमेंट यूनिट हैं अगर उनको रिमूव नहीं करेंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। अगर उनको हम लोग रिमूव नहीं किए तो वो क्या क्रिएट करेंगे बेटा, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो उस हिंड्रेंस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कहते हैं पहले कुछ केमिकल ऐड करते हैं, कुछ केमिकल ऐड करते हैं। उस केमिकल को हम लोग कहते हैं कॉग्यूलेंट। उस केमिकल को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं, कॉग्यूलेंट। जिस तरीके से पानी में ग्लूकोज डालते हो तो ऐसा थोड़ी बोलते हो कि हम लोग केमिकल डाल रहे हैं पानी में पीने के लिए। हम लोग नमक डालते हो तो ऐसा थोड़ी बोलते हम लोग NaCl डाल रहे हैं उसके बाद टाइट्रेट करके पी जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। हम लोग सिंपल क्या बोलते हैं वहाँ पे कि सॉल्ट डाल रहे हैं या ग्लूकोज डाल रहे हैं। तो उसी तरीके से हम लोग केमिकल ना यूज करके यहाँ पे हम लोग कॉग्यूलेंट यूज करेंगे वर्ड, ठीक है। कॉग्यूलेंट, एडिशन ऑफ केमिकल इज इक्वल टू एडिशन ऑफ कॉग्यूलेंट, तो हम लोग कॉग्यूलेंट डालेंगे। तो केमिकल ऐड करने के तरीके को हम लोग कॉग्यूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल ऐड करने के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्यूलेशन कहते हैं। तो जब हम लोग केमिकल ऐड कर देंगे तो क्या होगा, केमिकल वाटर में चला जाएगा, लेकिन वाटर में अभी मिक्स नहीं होगा। तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, वाटर में मिक्स करेंगे। जैसे आपने ग्लूकोज लिया और ग्लास में डाल दिया, या फिर हॉर्लिक्स लिया और आपने मिल्क में ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, वो मिल्क में मिल गया नहीं, उसको हम लोग स्टेयर करते हैं, मिक्स करते हैं। तो उसको मिक्स करने के लिए आपको कुछ एनर्जी का जरूरत पड़ता है, तो वो हम लोग कॉग्यूलेशन में देखेंगे। और जब मिल जाता है तो उसके बाद स्लो मिक्सिंग करते हैं, जिसको हम लोग फ्लॉक्यूलेशन हेडिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो कॉग्यूलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन हो गया। कुछ केमिकल्स जिनको हम लोग कॉग्यूलेंट कहते हैं, जिनको हम लोग कॉग्यूलेंट कहते हैं, इनमें कुछ सबसे फेमस है एलम। एलम फिटकरी, आप लोग कभी सेविंग करवाने जाते होंगे या फिर एंटीसेप्टिक में यूज होता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि एलम होता है, ठीक है। हिंदी में इसको फिटकरी कहते हैं, इंग्लिश में इसको एलम कहते हैं। तो एलम को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके साथ कुछ और कॉग्यूलेंट्स आएंगे उनको पढ़ेंगे, क्लियर है। और फिर हम लोग फ्लॉक्यूलेंट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कॉग्यूलेशन, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग एक नोट्स में देख लेते हैं कि कॉग्यूलेशन होता क्या है, ठीक है। कॉग्यूलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। कोलॉइडल पार्टिकल होता है वेरी फाइन पार्टिकल, वेरी फाइन पार्टिकल। इसको अगर डेली लाइफ के पाथ में अंडरस्टैंड किया जाए तो मैं आपको समझा सकता हूँ एक बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल लेकर। आप लोग मान लो कि आप लोग अब जिस रूम में हो उस रूम में आप लोगों ने झाड़ू लगाया, ठीक है। तो आपने अच्छे से झाड़ू लगाया, कुछ पेपर के पीस गिरे होंगे, कुछ बिस्किट के पैकेट रैपर गिरे होंगे, तो वो बड़े पार्टिकल थे। जब आप झाड़ू लगा रहे थे तो वो बड़े पार्टिकल आराम से क्लीन आउट हो गए, आपने उसको क्या किया, डस्टबिन में फेंक दिया। फिर भी आप क्या करना, वापस रूम में आना और अपने फिंगर से फ्लोर पे उसको ऐसे रब करके देखना, आप देखना आपके फिंगर के झाड़ू लगाने के बावजूद कुछ फाइन पार्टिकल वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। वो फाइन पार्टिकल जो आपके पास अभी भी मिलेंगे वो रिमूव होते हैं जब हम लोग अपने घर पे गीले कपड़े से पोछा लगाते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हम लोग उन फाइन पार्टिकल्स को भी फिर रिमूव करते हैं। उसी तरीके से जो वेरी फाइन पार्टिकल हमारे वाटर में होंगे, जिसको हम लोग कोलाइडल पार्टिकल कहेंगे, उनको रिमूव करने के लिए हम लोग कॉग्यूलेशन करेंगे। तो कॉग्यूलेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ केमिकल टू अ कोलाइडल डिस्पर्सन विच रिजल्ट इन अ प्रैक्टिकल डिस्टेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग रिपल्सिव फोर्सेस। बहुत बड़ा बड़ा बात मैंने लिख दिया। एडेड केमिकल इज कॉल्ड कॉग्यूलेंट्स, ये आपको याद रखना है। और एडिशन के प्रोसेस को हम लोग कॉग्यूलेशन कहते हैं। कॉग्यूलेशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिक्रीज करता है और प्रिसिपिटेट हाइड्रस ऑक्साइड इंक्रीज कर देता है। क्या होता है आप समझिए, जब छोटे पार्टिकल होते हैं
छोटे पार्टिकल के सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, छोटे पार्टिकल के सरफेस के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। और हम लोगों को पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकेगा, तो क्या होगा, वो पार्टिकल एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और वो सेटल नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्जुलेंट क्या करता है, उनके जो निगेटिव चार्ज होती है उनको डिस्टेबलाइज कर देता है। वो स्टेबल फॉर्म में अभी होते हैं, निगेटिव निगेटिव स्टेबल में होते हैं, तो उनको कॉग्युलेंट क्या करता है, डी स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि कुछ का चार्जेस निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और वापस क्या करते हैं, वो एक दूसरे के पास मिल जाते हैं। और जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल एक साथ मिलेंगे तो उनका साइज क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो वो सेटल कर जाएंगे, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, बहुत सारे छोटे पार्टिकल हैं, उन छोटे पार्टिकल को हम लोगों के साइज को बड़ा करना है। तो छोटे पार्टिकल के साइज को बड़ा करने के लिए हम लोगों ने एक केमिकल डाला जिसको हम लोग कॉग्युलेंट कहें। वो कॉग्युलेंट क्या किया, हमारे स्टेबल पार्टिकल को अनस्टेबल कर दिया, जो आराम से रिपल्सिव मोड में था अब वो रिपल्सिव मोड में नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ चिपक रहा है, और जैसे ही वो चिपकेगा वो अपने अपने साइज को धीरे धीरे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब साइज इंक्रीज होगा तो उनका वेट भी बढ़ेगा और अंडर ग्रेविटी वो लोग क्या कर जाएंगे, सेटल कर जाएंगे, ठीक है। अंडर ग्रेविटी क्या कर जाएंगे, वो सेटल कर जाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है इजी वर्ड्स में, कॉग्युलेशन इज प्रोसेस इन विच सर्टेन केमिकल्स नोन एज कॉग्युलेंट्स आर एडेड इन द वाटर सो एज टू न्यूट्रलाइज निगेटिव चार्ज ओवर द पार्टिकल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी इन सब्सिक्वेंट स्टेज। ये एकदम इजी वर्ड है, पहले मैंने बम छोड़ दिया अब बाद में इजी वर्ड दे दिया। यहाँ पे आप लोग क्लियर है, नेगेटिव चार्ज हमारे यहाँ छोटे फाइन पार्टिकल के ऊपर होता है। फाइन पार्टिकल को टेक्निकल वर्ड आप लोग को याद रखना है, कोलोइडल पार्टिकल कहते हैं। अब मैं फाइन पार्टिकल नहीं बोलूंगा और वेरी स्मॉल पार्टिकल भी नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कोलोइडल पार्टिकल, ठीक है। तो दैट कोलोइडल पार्टिकल हैविंग नेगेटिव चार्जेस विच नीड टू बी न्यूट्रलाइज सो दैट दे कैन एक्युमुलेट विद ईच अदर सो दैट देयर साइज विल गेट इंक्रीजेस एंड दैट इंक्रीज साइज एंड वेट कैन सेटल्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो छोटे छोटे कोलोइडल पार्टिकल आपस में चिपकेंगे, कब चिपकेंगे, जब उनका निगेटिव चार्ज रिपल्सिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद जब वो आपस में चिपक के अपने साइज को इंक्रीज कर देंगे तो वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे सेटल कर जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि इनको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ निगेटिव चार्ज, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी which is provided in the coagulation process during rapid mixing in the water, during rapid mixing in the water। तो ये वही बात कह रहा है कि आप लोगों ने ग्लूकोज तो पानी में डाल दिया, लेकिन वो ग्लूकोज मिक्स कब होगा, जब तक हम लोग उसको स्टेयर नहीं करेंगे, उसको हम लोग चम्मच से हिलाएंगे, तो वो एक मिनिमम एनर्जी हम लोग को एक्सटर्नली देना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल एनर्जी हम लोग का टेक्निकली क्या कहला जाता है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहला जाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहला जाता है। क्लियर है, कॉग्युलेशन मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज और होता है, जब नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज जो होता है ये एक क्लाउड अपने पास बनाया होता है, ठीक है, क्लाउड जैसा बनाया होता है, मतलब इसका इफेक्ट होता है कुछ दूर तक। इफेक्ट आपको कैसे समझाया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने एक गुलाब के फूल को लिया है, तो गुलाब के फूल का जो स्मेल होगा, मान लेते हैं कि ये रहा आपका गुलाब का फूल सेंटर वाला रेड डॉट, तो गुलाब के फूल का जो स्मेल होगा वो उस गुलाब के फूल से कुछ डिस्टेंस तक होगा, यस और नो, गुलाब के फूल से कुछ डिस्टेंस तक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि गुलाब के फूल का जो स्मेल है उसका पोटेंशियल कुछ डिस्टेंस तक होगा, तो आपके उसके पोटेंशियल को खत्म करने के लिए आपको बाहर से अंदर कुछ और स्मेल को भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप लोग गुलाब के स्मेल के पोटेंशियल को खत्म करें, महक को खत्म करें, तो किसी दूसरे ऑर्डर को आप लोग को इसके अंदर पेनिट्रेट कराना होगा, ताकि ये जो सराउंडिंग है ये आपका किससे हो जाए, दूसरे ऑर्डर से फिलअप हो जाए। तो इसको हम लोग टेक्निकली जिस वर्ड से समझते हैं उसको कहते हैं हम लोग जेटा पोटेंशियल। गेट में पूछा नहीं है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का
क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जेटा पोटेंशियल क्या होता है? इज अ मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल एंड इंडिकेट पोटेंशियल। क्या इंडिकेट करता है? पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू पिनिट्रेट द लेयर ऑफ आयन सराउंडिंग द पार्टिकल फॉर डी स्टेबिलाईजेशन। मैंने क्या बोला था कि निगेटिव चार्ज है आपके पास, ये निगेटिव चार्ज कुछ एरिया को अपने तरफ से चारों तरफ कवर किए रहेगा, ठीक है। अब आपको इस निगेटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बाहर से कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर से कोई पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। आप यहाँ तक पहुंचे, उसके बाद थोड़ा और पोटेंशियल लगा, यहाँ पहुंचे, फिर थोड़ा और पोटेंशियल लगा, यहाँ पहुंचे, और स्लोली स्लोली करके इस पूरे सिस्टम को आप अपने एक्सटर्नल फोर्स से कवर कर लिए। तो जो नेगेटिव चार्ज था ये अब क्या हो गया, वैनिश कर गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज अब क्या हो गया, खत्म हो गया, अब आपके पास न्यूट्रलाइज या डिस्टेबल चार्ज आ गया, ठीक है। इसी पोटेंशियल को जितना आपका डिफरेंस आएगा, जितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं जेटा पोटेंशियल। हायर द जेटा पोटेंशियल मोर स्टेबल द पार्टिकल। जितना ज्यादा जेटा पोटेंशियल लगेगा आपका पार्टिकल उतना ज्यादा स्टेबल होगा। पर्पस ऑफ कॉगुलेशन, हम लोग कॉगुलेशन क्यों करते हैं, ताकि हमारा जेटा पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जेटा पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। हम लोग स्टेबल नहीं रखना चाहेंगे अपने किसी भी पार्टिकल को। पार्टिकल क्या, अगर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव नहीं रहना चाहेगा, वो पॉजिटिव नहीं आना चाहेगा। जब नेगेटिव और नेगेटिव में रह जाएगा तो उसको हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। और उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जेटा पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो वही कह रहा है, दूसरा सेकंड लास्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, ऐसे हो गया ऊपर नीचे। सेकंड लास्ट लाइन आपका क्या कह रहा है, ये वाला दिस लाइन, हेंस हायर द जेटा पोटेंशियल मोर स्टेबल विद पार्टिकल। आप एक बात ऐसे समझ लो, जो लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं उनको चेंज जल्द होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो वैसे निगेटिव पार्टिकल जो ज्यादा जेटा पोटेंशियल है उनको डी स्टेबल होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उनको डी स्टेबल होने में टाइम लगेगा और हम टाइम देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी डी स्टेबल हो जाए। तो हम लोग केमिकल ऐड कर देंगे, जाओ बेटा हम लोग ये केमिकल लो और जल्दी से तुम डी स्टेबल हो जाओ, तुम स्टेबल केस में मत रहो और डी स्टेबल हो जाओ और अपने छोटे छोटे पार्टिकल को एक साथ मिलकर अपने साइज को इंक्रीज करो और सेटल कर जाओ। तो जेटा पोटेंशियल कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लोगों के पास कुछ मैकेनिज्म आता है कॉग्यूलेशन का, ठीक है। ये मैकेनिज्म आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना जरूरी है, इसको स्केप मत करिएगा। चार तरह के कंडीशन होते हैं, एक आयोनिक लेयर होता है, आयोनिक कंप्रेशन लेयर, एक एडजॉर्प्शन, एक स्टीप कॉग्यूलेशन और एक इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। इन सब का काम एक ही है कि पार्टिकल के साइज को इंक्रीज करना, ठीक है। कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। आयन लेयर कंप्रेशन, ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसका टेक्निकल नाम है वंडरवाल फोर्स। आप लोग नाम सुने भी होंगे शायद केमिस्ट्री में, वंडरवाल फोर्स। वीक अट्रैक्टिव फोर्स, पॉजिटिव फोर्स जो होता है उसको वंडरवाल फोर्स कहते हैं। विल बी प्रीडोमिनेंट, इट अकर इन द केस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन, इट अकर इन द केस ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे है साइज इंक्रीज करने से। तो हमारे पास फाइन पार्टिकल के पास कैसे चार्ज है, निगेटिव चार्जेस है। आयनिक लेयर कंप्रेशन का चार्जेस कैसा है, पॉजिटिव है। तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रलाइज कर जाएगा और अपने साइज को इंक्रीज करने लगेगा, पहला हो गया। दूसरा होता है एडजॉर्प्शन एंड चार्ज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्सेज के ऊपर वर्क करता है, आर नॉट ओनली ड्राइविंग फोर्स फॉर डी स्टेबिलाईजेशन बट ऑल्सो एडजॉर्प्शन, अदरवाइज री स्टेबलिशमेंट वुड हैव बीन प्रोड्यूस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस लाते हैं। आप लोग तो
लास्ट टाइम हम पढ़ा होंगे कि एक तरफ निगेटिव नॉट डालते हैं, एक तरफ पॉजिटिव नॉट डालते हैं, उसके बाद चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, उसके बेसिस पर जब हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो ये वो कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विफ्ट कोगुलेशन। स्विफ्ट कोगुलेशन का आप लोग ऐसे समझ रहे हो कि यहाँ पे आप लोगों का साइज बढ़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एलम टू वाटर, द जेलेटिनस प्रिसिपिटेट हेवियर देन वाटर सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। स्विफ्ट मतलब होता है झाड़ू लगना, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम पानी में एलम डालेंगे तो आपके जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो जेलेटिनस सब्सटेंस के ऊपर आके चिपक जाएंगे और उनका अंडर ग्रेविटी सेटल किया जाएगा, वो स्विफ्ट कोगुलेशन है। हम जो भी अभी डिस्कशन करेंगे वो स्विफ्ट कोगुलेशन के बेसिस पर ही डिस्कशन करेंगे। बाकी जो चार तरह के, बाकी जो तीन तरह के हमारे पास हैं वो सारे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क में यूज होते हैं। जब आप PhD करिएगा या MTech करिएगा, गेट क्लियर करने के बाद, तब आप लोगों को इन चारों को डिटेल में पढ़ के रिसर्च में यूज करना होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास स्विफ्ट कोगुलेशन में यूज होगा। और एक होता है इंटर पार्टिकल ब्रिजिंग। नाम ही क्या समझ में आ रहा है, ब्रिज बना रहा है। ब्रिज बनाना मतलब क्या हो रहा है, कोई छोटा पार्टिकल होगा उसको कनेक्ट करके उसका लेंथ इंक्रीज कर देंगे, फिर उसको दूसरे से तीसरे से कनेक्ट करेंगे, तीसरे को चौथे से कनेक्ट करेंगे और उनका लेंथ क्या हो जाएगा, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज होता चला जाएगा। जब लेंथ इंक्रीज होता चला गया बेटा तो इनका इंक्रीज देन सेल्फ वेट के हेल्प से सेटल डाउन करा देगा, सेल्फ वेट के हेल्प से सेटल डाउन करा देगा, ठीक है। सेवरल कोलाइडल मे बिकम अटैच टू वन और मोर मॉलिक्यूल, लिखा हुआ ना, वन एक या तो एक से ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर जाएगा और फिर वो रिजल्ट में क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा, जिसको हम लोग पॉलीमर के टर्म्स में ज्यादा समझते हैं। एलम है, आयरन साल्ट है, यूज होता है, क्लियर है। ये सारे आपके चार मैकेनिज्म थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास स्विफ्ट कोगुलेशन, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज तो समझ में आ गया कि अब हम लोगों को कुछ केमिकल डालना होगा और केमिकल डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उस केमिकल के कारण हमारे पास डीस्टेबलिशमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल होगा और वो कोलॉइडल पार्टिकल वापस से अपने साइज को इंक्रीज करके सेटल कर जाएगा। कोलॉइडल पार्टिकल क्या होगा, वापस से अपने साइज को इंक्रीज करके सेटल कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बात होता है कि हम लोग सर कितना डोज डालेंगे ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, कितना डोज डालेंगे कैसे पता चलेगा। इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, जार टेस्ट होता है, ठीक है। जार टेस्ट चॉइस ऑफ बेस्ट कोगुलेंट एंड डोजेस डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, चॉइस एंड डोजेस डिफाइन करता है जार टेस्ट। तो कौन सा डोज डिफाइन करता है, ऑप्टिमम डोज। ऑप्टिमम वर्ड जो यूज होता है वो ये इसका अंडरस्टैंडिंग होता है क्या कि बेस्ट नफा तुला, ठीक है, ऑप्टिमम तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो। जैसे आपका डाइट ऑप्टिमम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा डाइट करिए ना बहुत कम डाइट करिए, उसी तरीके से जो डोज होगा हमारे पास वो हम लोगों का जार टेस्ट डिफाइन करेगा। जार टेस्ट में क्या होता है, छह जार होते हैं। जार मतलब आपका आप लोग लेबोरेटरी में बीकर देखे होंगे, सर्कुलर सिलेंड्रिकल टाइप का जो होता है बीकर, इसी बीकर को हम लोग टेक्निकली जार कहते हैं, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की है। जार की कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर की है। छह जार होंगे आपके पास, छह जार की कैपेसिटी, हर एक जार की कैपेसिटी 1 लीटर की होगी और उस जार में उस वाटर के सैंपल को ऐड करेंगे जिसकी हम लोगों को ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है। और हर एक जार में डिफरेंट अमाउंट ऑफ कोगुलेंट ऐड करेंगे। कोगुलेंट क्या बेटा, हमारे पास जो केमिकल है उनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कोगुलेंट ऐड करेंगे। और कोगुलेंट जब ऐड कर देंगे तो कोगुलेंट का एक सबसे इजी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एलम को, ठीक, ताकि आप लोग चीजों को विजुअलाइज कर सके एलम को। अब जब हम लोग एलम लेंगे क्या होगा, एलम
हर एक जार में मेरे पास 6 जार है इसी तरीके से, हर एक जार में हम लोग पेडल लगा होता है, ठीक है। वो पेडल क्या करता है, हमारे कॉग्युलेंट को मिक्स कराता है। इनिशियली 1 मिनट तक हम लोग 100 RPM से मिक्स करेंगे, 100 RPM से मिक्स करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रैपिड मिक्सिंग, RAPID, रैपिड मिक्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैपिड मिक्स। हमेशा केमिकल डालने के बाद हम लोग रैपिड मिक्सिंग कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 10 मिनट तक हम लोग 30 RPM से करेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे स्लो मिक्स, स्लो मिक्स। इसी स्लो मिक्स को हम लोग टेक्निकली, इसी स्लो मिक्स को हम लोग टेक्निकली फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। इसी स्लो मिक्स को हम लोग टेक्निकली क्या कहते हैं बेटा, फ्लॉक्यूलेशन कहते हैं। आपका जो पेडल होगा वो पहले 1 मिनट तक 100 RPM से मूव करेगा और रिमेनिंग अगले 10 मिनट तक 30 RPM से यूज करेगा। तो सर आप पूछो ये दिमाग में कि सर ऐसा क्यों, तो वेरिएशन क्यों कर रहे हैं। तो पहले 1 मिनट तक हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो था कि पूरे वॉल्यूम ऑफ वाटर में हमारे ऐड किए गए कॉम्पोनेंट यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, हर एक कोने पे हमारे पास जो कॉम्पोनेंट हो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो, कोई भी ऐसा कोना ना हो जहाँ पे हमारा कॉग्युलेंट का कंसंट्रेशन कम हो या कॉग्युलेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रैपिड मिक्स कर देते हैं, ठीक। और एक बार रैपिड मिक्स हो जाता है तो सब जगह कॉग्युलेंट हमारा पहुंच गया। अब कॉग्युलेंट क्या करेगा, उसको हम लोग स्लोली मिक्स कराते रहेंगे ताकि उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलता रहे कि जो छोटे कोलॉइडल पार्टिकल है उनके साथ वो कॉन्टैक्ट में आए, ठीक है। उनके साथ वो क्या है, कॉन्टैक्ट में आए, तो उनको सस्पेंडेड रखने के चक्कर में हम लोग उसको 30 RPM से घुमाए रहते हैं ताकि वो छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल से कॉन्टैक्ट में आए। और जब वो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो उनका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जो साइज इंक्रीज करेगा उसको हम लोग टेक्निकली नाम देते हैं बेटा फ्लोक, FLOC। उसको हम लोग टेक्निकली क्या नाम देते हैं बेटा, फ्लोक, ठीक है। तो अब मत पूछना कि सर फ्लोक क्या होता है, जो छोटे पार्टिकल इकट्ठा होकर बड़े हो गए दैट इज कॉल्ड फ्लोक। टेक्निकली क्या कहते हैं उसको हम लोग, फ्लोक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 6 जार हैं, 6ों में हम लोगों ने सेम वाटर सैंपल डाला है और 6ों में हम लोगों ने अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉग्युलेंट डाला है। तो वो अलग अलग अमाउंट ऑफ कॉग्युलेंट क्या होगा, हमारा अलग अलग अमाउंट में फ्लोक जनरेट करेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ऑप्टिमम डोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा, ऑप्टिमम डोज। ऑप्टिमम डोज यहाँ पे जब फाइंड करना है तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ये रहा ऑप्टिमम डोज हम लोग को फाइंड करना है। तो ऑप्टिमम डोज फाइंड करना है तो हम लोग 6 जार में देखेंगे द अमाउंट ऑफ कॉग्युलेंट इन द जार विच प्रोड्यूस अ गुड फ्लो विथ लीस्ट कॉग्युलेंट इंडिकेट ऑप्टिमम डोज। इसमें कम डोज और ज्यादा फ्लो जनरेट होगा, कॉग्युलेंट कम डाला जाए और फ्लो ज्यादा जनरेट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जार में कंसिडर कर लेंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम डोज कहला जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम डोज कहला जाएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा आप लोग को जार टेस्ट क्या होता है। तो जार टेस्ट हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिमम डोज को कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास ऑप्टिमम डोज कितना है, हम लोग ऑप्टिमम डोज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेबोरेटरी में इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जाता है और ये बहुत फेमस टेस्ट है जार टेस्ट, जिसको हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ऑप्टिमम डोज कैलकुलेट करने के लिए। मैथ दी फॉलोइंग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा टेस्ट आपका ऑप्टिमम डोज फाइंड करने के लिए होगा, तो आप लोग लिखेंगे जार टेस्ट, जिसमें आपका 100 RPM पहले 1 मिनट तक दिया जाएगा टू ब्रिंग टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉग्युलेंट यूनिफॉर्मली, और अगले 10 मिनट तक 30 RPM में दिया जाएगा सो दैट कॉग्युलेंट गेट सफिशियंट टाइम टू गेट कॉन्टैक्ट विथ कोलॉइडल पार्टिकल। मेरे ख्याल से मैंने हर एक पॉइंट को तोड़ फोड़ के आप लोगों के सामने खोल के रख दिया है, सारा एकदम ओपन माइंड कॉन्सेप्ट हो गया, कुछ भी एक भी डाउट मेरे ख्याल से भी आपके जहन में नहीं होना चाहिए। लोग क्या होता है, सारे अंडरस्टैंडिंग क्लियर, यस और नो,
कोई डाउट यहाँ पे? नहीं। चलिए अब हम लोग एकदम खतरनाक टॉपिक में एंटर करने वाले, बहुत बेहतरीन मजेदार टॉपिक है एलम। बहुत देर से इसका हम लोग नाम सुन रहे हैं, एलम एलम। अभी आप लोग कोई भी इधर उधर हल्का सा भी अपना दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आप लोग वो काम छोड़ दीजिएगा और एलम बहुत ध्यान से सुनिएगा पूरी बातों को। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एलम से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखा गया है कि एलम से क्वेश्चन आपसे बहुत सारा पूछा जाता है और इस एलम में जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो आगे आने वाले बहुत सारे यूनिट टॉपिक में भी आपके सेम कॉन्सेप्ट को यूज होगा। तो जो लोग यहाँ समझ लेंगे उनको वहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार आप लोग इतना एफर्ट पे कर दो अपने लाइफ में कि आप लोग अपने लेवल से बहुत ऊपर चले जाओ। पूरे लाइफ हम लोग यही कर रहे होते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं तब तक एक ही काम होता है हर इंसान का, अपने प्रेजेंट लेवल से ऊपर जाना। ठीक है, अगर अपने प्रेजेंट फाइनेंशियल लेवल से ऊपर जाना, अपने प्रेजेंट सोशल लेवल से ऊपर जाना, अपने प्रेजेंट पावर लेवल से ऊपर जाना। ठीक है, तो हमेशा हम लोग अपने प्रेजेंट लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपको एफर्ट पे करना पड़ेगा और याद रखो ऐसा एफर्ट पहली दफा पे कर लो कि आप लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड किए बिना अपने लेवल को इंक्रीज करते चले जाओ। तो अभी जितने देर तक क्लासेस चल रहे हैं आप लोग फुल ऑन कंसंट्रेशन होकर एलम को सुनना। बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे और उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज आगे हमारे पास होगा। तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर हम लोगों को दोबारा सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट प्ले करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। एक बार मेरी बातों को सुनोगे सारा चीज विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं एलम को। तो सबसे पहले हमारे पास आया एलम। एलम क्या होता है? इसका टेक्निकल नाम है एलम का हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको ये इक्वेशन याद रखना है। डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन याद रखें या नहीं रखें, आपको इस क्वेश्चन याद रखना है। 8-10 बार अपने रफ पेज पे लिखो Al2SO4 whole thrice 18H2O, Al2SO4 whole thrice 18H2O, Al2SO4 whole thrice 18H2O। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट है। हाइड्रेटेड वर्ड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके लास्ट में 18 यूनिट ऑफ H2O ऐड है। ठीक है, एलम को जब हम लोग HCl3 माइनस, बेटा क्या है? HCl3 माइनस है बाइकार्बोनेट। और याद रखिए जब हम लोग एल्केनिडिटी डिफाइन किए थे तो वहां पे हम लोगों ने बोला था, दो बात मैंने बताया था एल्केनिडिटी की, जब भी डिस्कशन आपके पास आए कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक, तीन बात ध्यान रखना है। और हार्डनेस का बात है तो आप लोगों को मल्टीवेलेंट कैटायन ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मल्टीवेलेंट कैटायन इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस एंड कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एंड कॉस्टिक इन टर्म्स ऑफ एल्केनिटी, ये दो बात हम लोग पढ़े थे। हाँ बोलो सत्यम। मल्टीवेलेंट कैटायन बोला है सर, ये हर एक किसी भी के लिए मतलब हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम सोडियम अगर आ गए मल्टीवेलेंट में तो उनको भी मेटालिक, मल्टीवेलेंट मेटालिक कहता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम आएगा पर सोडियम नहीं आएगा अगर एल्यूमिनियम। देखो हम लोग एक्चुअली एनवायरमेंट में क्या होगा कि आप लोग बहुत सारा मतलब वैसे डिस्कशन हम लोग करने लगेंगे जिसका प्रैक्टिकल कोई मीनिंग नहीं होता है। कि मैं आपके क्वेश्चन पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे वाटर में एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता। ठीक है, क्वेश्चन में आ रहा था कल, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था ना, तो Al2 4 आ रहा था वहाँ पे। सर उन्होंने सिंपल दिया ही कटाइन था, Al3 पॉजिटिव दिया था उन्होंने डेटा में, टोटल हार्डनेस निकाल, हाँ जी सर Al3 पॉजिटिव दिया था, टोटल हार्डनेस निकालने के लिए बोला था। अच्छा, और उन्होंने Al3 पॉजिटिव को इंक्लूड किया था और एक क्वेश्चन में सर Na2 पॉजिटिव दिया था डाटा में पर उसको इंक्लूड नहीं किया था। हाँ जी सर, Na2 पॉजिटिव दिया था और उसको इंक्लूड नहीं किया, तो सूडो हार्डनेस कहलाता है, ये हम लोगों ने लिखा भी था नोट में। जी सर, तो एक बार क्वेश्चन आप लोग फिर से सेंड करिएगा या बताइएगा मुझे तो मैं उसको देख के बता सकता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, ठीक है। तो मल्टीवेलेंट
मेटालिक कैटायन आपका हार्डनेस होगा और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कॉस्टिक अल्कलिनिटी होगा। ये दो बात आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे ये कहता है कि जब हम लोग एलम को बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक जेल टाइप का सब्सटेंस बनेगा जो AlOH होल थ्राइस होगा और इसको टेक्निकली हम लोग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे। आपको नाम याद रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे सब्सटेंस के रिजल्ट क्या बन रहे हैं वो याद रखना है। एलम प्लस बाइकार्बोनेट अल्केनिटी विल गिव यू अ जेलिटिनस प्रिसिपिटेट। पीपीटी का मतलब है प्रिसिपिटेट, ये लिखा रहेगा बार बार, आप लोग याद रखिएगा पीपीटी क्या है, प्रिसिपिटेट। और AlOH होल थ्राइड, इसको हम लोग कहेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट इज गेट रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट अल्केनिटी टू गिव अ प्रिसिपिटेट ऑफ जेलेटिनस सब्सटेंसेस नोन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब जब जेल टाइप का सब्सटेंस होगा, आप एक बात सोचो, आप च्युइंगम खा रहे हो, वो क्या है, स्टिकी है। आप च्युइंगम को निकालो और अपने फ्लोर के ऊपर उसको रोल करो, ठीक है, आप देखोगे क्या कि च्युइंगम धीरे धीरे वाइट से ब्लैक कलर की तरफ मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, डस्ट को अपने ऊपर चिपकाते चला जा रहा है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे लिखा, और जैसे जैसे उसके ऊपर डस्ट चिपकता चला जाएगा, च्युइंगम का साइज क्या होगा, बड़ा होता चला जाएगा। ऑन द सेम मैनर, ऑन द सेम गाइडलाइन, दिस जेलेटिनस सब्सटेंसेस अट्रैक्ट कोलॉइडल पार्टिकल, इंक्रीज देयर साइज एंड फाइनली सेटल। हम लोग तब से तो यही बात कर रहे हैं, कॉगुलेशन का काम ही यही है, छोटे पार्टिकल के साइज को अपने ऊपर चिपका के साइज को बड़ा कर लेना है, और जब साइज बड़ा हो जाएगा तो वो सेटल कर जाएगा। साइज बड़ा होगा तो वो क्या कर जाएगा, सेटल कर जाएगा। तो और कॉगुलेशन से, एलम से हम लोग क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, एलम से हमारा वाटर का टेस्ट रिमूव हो सकता है, अगर कोई टेस्ट, ओडर, कलर, कोलॉइडल पार्टिकल एंड किल बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है, किल बैक्टीरिया। हम लोग आफ्टर सेव लोशन लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग डिटॉल लगाते हैं समटाइम, ठीक है। तो डिटॉल या आफ्टर सेव लोशन में ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन रहता है सर्टेन अमाउंट में, ठीक है। तो ये एज अ क्या कहते हैं हम लोग, एंटीसेप्टिक काम करता है। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट कैसा काम करता है, एज एन एंटीसेप्टिक काम करता है। और एंटीसेप्टिक का अंडरस्टैंडिंग यही होता है कि किल पैथोजन, और पैथोजन क्या होता है हम लोग पढ़े थे, पैथोजन्स आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर ससेप्टेबल टू काउज डिजीजेस, ठीक है। तो अगर कहीं कट जाता है हम लोग को, मान लो कि हाथ कट गया, हाथ कट गया तो हम लोग वहाँ पर डिटॉल लगाते हैं, या फिर आप लोग को बोला जाता है कि आफ्टर सेव लोशन लगा लो, या सेविंग करते टाइम में जब कट जाता है तो आफ्टर सेव लोशन लगाते हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा है इसके बारे में, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसका वर्किंग रेंज है पीएच 6.5 टू 8.5, और याद रखिए यही आपका वर्किंग रेंज है ड्रिंकिंग वाटर के पीएच का भी, ठीक है। और ये क्या होता है, इट गिव चीप एंड स्टेबल फ्लो। ऑब्वियसली हमारा जो फ्लो जनरेट होगा वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो स्टेबल नहीं हो। अगर स्टेबल नहीं होगा तो फ्लो फिर से वो कन्वर्ट कर जाएगा किसी दूसरे पैरामीटर में। तो हमारा फ्लो स्टेबल होना चाहिए, वो फ्लो बनने के बाद वो किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वो फ्लो चीप होना चाहिए यानी कि सस्ता होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज का, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। डिफिकल्ट टू डिवाटर दी स्लज, स्लज को डिवाटर करने में डिफिकल्ट होता है ड्यू टू सी ओ टू। क्लोजन ऑफ पाइप गिव परमानेंट हार्डनेस इन CO सपोर्ट। चलो इस पॉइंट को हम लोग 2 मिनट में डिस्कस करते हैं, कल एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि उसको बताया बिना ये मजा नहीं आ रहा बताने में। ये रहा केमिकल रिएक्शन, ये आपके पास एलम है, दिस वन इज योर एलम, Al2SO4 होल थ्राइस 18H2। नीचे वाले डेटा को मत देखो, जो बोल रहा हूँ बस वही देखना, नहीं तो पूरा कंफ्यूज कर जाओगे और मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। आराम से सुनो, एलम को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं बाइकार्बोनेट अल्केनिटी से, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो ये एक जेलेटिनस सब्सटेंसेस देगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड।
क्या है, ये जेल जेल टाइप सब्सटेंसेस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट और बनेंगे, एक प्रोडक्ट होगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हम लोग परमानेंट हार्डनेंट में कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ रिलीज होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ रिलीज होगा आपका वाटर, ठीक है। तो एलन को जब रिएक्ट करें इसके साथ बाइकार्बोनेट एल्केनिटी के साथ, तो ये फ्लोक दिया, परमानेंट हार्डनेस दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, और साथ ही साथ वाटर दिया, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, साथ ही साथ क्या दिया, वाटर दिया। अब वापिस आते हैं, तो अब क्या कहता है, डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू डिवाटर द स्लज, इससे जो स्लज बनेगा उन स्लज को हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, उन स्लज को हटाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक, आपने एक शर्ट लिया, शर्ट को पानी में डिप किया और शर्ट को निचोड़ दिया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है, वहां से ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन जब आपका फ्लोक बनेगा, उस फ्लोक से आपके उस फ्लोक में क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे और उस पार्टिकल्स में वाटर भी होगा, तो उन वाटर को डिवाटर करना, वाटर अलग करना और सॉलिड पार्टिकल अलग करना, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, पहला पॉइंट ये था। दूसरा, CO2 जनरेट होता है, तो CO2 कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो पाइप में कोरोजन होने के चांसेस हो जाएंगे, क्लियर। CO2 जब रिलीज हुआ तो पाइप में कोरोजन होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर क्या होगा, CuSO4 ये क्या दे देगा, परमानेंट हार्डनेस दे देगा, और हम नहीं चाहते हैं कि परमानेंट हार्डनेस हमारे वाटर में, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, परमानेंट वाटर भी हम लोग नहीं चाहते हैं। फिर देखो, वेन लाइम इज एडेड, अब हमको इसको पूरे रिएक्शन को अल्कलाइन कंडीशन में रिएक्ट कराना है, तो होता है क्या, दो पॉइंट यहाँ पे निकल के आएगा, एक पॉइंट ये आएगा अल्कलाइन रिएक्शन के लिए और एक पॉइंट ये आएगा अल्कलाइन रिएक्शन। जब हम लोग लाइम ऐड करेंगे तो हमारे पास एसिडिटी नहीं आएगा, मैंने क्रॉस साइन लगा रखा है यहाँ पे, लेकिन हार्डनेस इम्पोज होगा। कैसे, ये रहा आपका एलन, एलन को जब ये OH होल्ड ट्वाइस, ये लाइम का इक्वेशन होता है, एलन को जब हम लोग लाइम से रिएक्ट कराएं तो कैल्शियम सल्फेट क्या दिया, परमानेंट हार्डनेस दिया, ये जेलेटिनस सब्सटेंस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ और वाटर आया, ठीक है, वाटर आया, बैलेंस इक्वेशन नहीं है। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुआ तो एसिड रिलीज नहीं होगा। और दूसरे इक्वेशन में दिया है हम लोगों ने सोडा एस लिया है, Na2CO3 के साथ निकाला, तो ये क्या है आपका, सोडियम सल्फेट है, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एसिडिटी आएगा बट हार्डनेस नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कोई भी मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायन नहीं है सेकंड इक्वेशन में, और वाटर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे बनता है ये याद रखना है। क्वेश्चन में आपको आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है जो ग्रीन बॉक्स के अंदर अभी मैं डालने वाला हूँ, आपको याद ये चीज रखना है, At least you have to remember this, this one and this one. एकदम short form में लिखा हुआ है। क्या कहता है, Line add करेंगे तो जो cross है उसका मतलब absent है और जो tick लगाया हुआ है उसका मतलब present है। तो line add करेंगे तो acidity absent, hardness present. Soda ash add करेंगे तो acidity present, hardness absent. Clear है दोनों बातें, Yes or no? और नॉर्मल डोज है इसका 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर, जो छोटे एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम का मतलब है मेरा जो जेई लेवल का, ठीक है, उनमें ये वैल्यू पूछा जाता है, डोजेज ऑफ एलम, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत सारे पैरामीटर्स मालूम हुआ, इसका वर्किंग रेंज कितने पीएच का है, फ्लोक की क्वालिटी क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होता है एलम का, एलम को अगर हम लोग लाइन से रिएक्ट कराएंगे तो, एलम को हम लोग सोडा एसिड से रिएक्ट कराएंगे, तो ये दोनों स्पेशल केस है, ठीक है। नॉर्मल डोज किसका, नॉर्मल डोज एलम का है। अब आप जार टेस्ट किए, ठीक है, जार टेस्ट करने के बाद आपको पता चला क्या कि कितना डोज डालना है, देखा गया क्या कि नॉर्मली जो हमारे पास इंडिया एंड सब कॉन्टिनेंट में जो वाटर होती क्वालिटी है उसमें नॉर्मल डोज में आपको 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर वाटर ऐड करना होता है, क्लियर है, एलम ऐड करना होता है, सत्यम क्लियर है, समझ आया, चलिए ठीक है। तो नॉर्मल डोज हमारे पास बेटा होगा किसका, एलम का,
10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर ये नॉर्मली देखा गया है। आपसे जनरल पूछ लिया जाए एज एन इंजीनियर, आपको अगर बोल दिया जाए कि कोई टेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ डायरेक्ट एलम यूज करना है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं सोचोगे, सीधे 30 मिलीग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे और सारा एलम डाल दोगे पानी में, ये लो, ठीक है? तो आपको डोज याद रखना होगा, ये रफ वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कैसे पता चलेगा? जार टेस्ट, एग्जैक्ट वैल्यू विल गिव यू बाय जार टेस्ट, क्लियर है? अब हम लोग एंटर करते हैं इक्वेशन में, जो हम लोग देख रहे हैं पहले। इस इक्वेशन के साथ हम लोगों का गहरा रिश्ता बनेगा, ठीक है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्ट है घुसा हुआ इस इक्वेशन में, एकदम आराम से इसमें सारे बातों को सुनना। थोड़ा क्लियर कर देते हैं, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे पास आगे आने वाले बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो जो एक बार समझ लेंगे तो बार बार समझने में एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा। चलिए अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, इस इक्वेशन को आप लोग रफ पेपर पे लिखना एंड फुल ऑन लिख के रट जाना। एल्यूमिनियम Al2SO4 18H2O प्लस 3CaSCO3 प्लस 2Al जो रिजल्ट देगा 2AlOH4 प्लस 3CaSO4 प्लस 6CO2 प्लस 18H2O। इस इक्वेशन, इस बैलेंस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ठीक है? बहुत सारे इक्वेशंस को मैं नहीं बोलूंगा याद रखने के लिए, लेकिन वैसे इक्वेशंस मैं बोल दूंगा जिससे आपके गेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो ये लिख लिया। आप लोगों को क्लास 9 टेंथ में सिखाया गया होगा मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। आप लोग एक काम करिएगा, जितने भी यहाँ पे आपको मेटल के नाम दिख रहे हैं या कंस्टिट्यूएंट के नाम दिख रहे हैं, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, इनका आप लोग एटॉमिक वेट लिख लीजिएगा एक पेपर में छोटा, और जहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं वहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जब भूलें तो आप लोग वहाँ से याद कर सकें, ठीक है? तो हमारे पास जो भी सिलेबस में आ रहा होगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग के पास पेन पेपर है तो आप लोग लिख लीजिए किनका किनका ज़रूरत पड़ेगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम, नाइट्रोजन, ठीक है? कितने का जरूरत पड़ेगा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, आयरन, सल्फर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटासियम एंड नाइट्रोजन। इनका आप लोग एटॉमिक वेट क्या करिएगा, लिख के अपने स्टडी टेबल के ऊपर टिक कर लीजिएगा, ताकि इनको आप लोग याद रख सकें। अगर जिनको याद है देन नो प्रॉब्लम, जिनको याद नहीं है आप लोगों को इतने मेटल का एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहानी होता है, पूरी कहानी को पहले ध्यान से समझना, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेट करके समझाया है। एक बार जो समझ लेंगे सेम कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार यूज करेंगे, ठीक? यहाँ देखो आप इक्वेशन देखते हैं पहले, इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन में एलम रिएक्ट किया बाइकार्बोनेट एल्किनिटी से, जो फ्लो परमानेंट हार्डनेस, एसिडिक नेचर एंड वाटर आपको दे दिया, ठीक है? अब कहता है यहाँ पे एलम का कितना मोल है बेटा, मॉलिक्यूल या मोल, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ एलम, ठीक है, 3 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट एल्किनिटी से रिएक्ट किया, ठीक है? यहाँ पे देखिए 3 मोल लिखा है मैंने, 1 मोल ऑफ एटम, 3 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट एल्किनिटी से रिएक्ट किया, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ठीक है? उसी तरीके से 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है,
3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आपके पास 3 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट एल्केनिटी के बराबर होता है। मैंने ये आपको बताया था कि ग्राम इक्विवेलेंट वहां पे कर लेते हैं, हार्डनेस में बताया था मैंने, जो केमिकल के सारे पॉइंट्स बताए थे कि हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एल्केनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, सेम कॉन्सेप्ट को यूज किया हम लोगों ने। देखा क्या कि अगर 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो 3 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट एल्केनिटी आता है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज किए हम लोग के पास आया कि 1 मोल ऑफ एलम जब यूज करेंगे ये हमें क्या देगा, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देगा। 1 मोल ऑफ एलम क्या देगा हमको, 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देगा। लेकिन यहाँ पे है क्या हमारे पास, बाइकार्बोनेट है, लेकिन हम लोग एल्केनिटी किस टर्म्स में डिफाइन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में, इसीलिए हम लोग इस पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिए किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कि 1 मोल ऑफ एलम विल गिव 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, उसी तरीके से और देखो ये जो एलम है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 666 ग्राम, ठीक है, और बाइकार्बोनेट एल्केनिटी का है 163 ग्राम, लेकिन यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल है इसीलिए इसको 486 कर देते हैं। फ्लोक जो है उसका वेट आपका 78 ग्राम है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल होने के कारण मल्टीप्लाई करके 156 कर देते हैं, और परमानेंट हार्डनेस का होता है 136 ग्राम, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 408 कर देते हैं, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं आगे, क्या कहता है, 666 ग्राम ऑफ एलम, ठीक है, 666 ग्राम ऑफ एलम विल गिव 3 × 162, 486 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 3 × 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव 486 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब ये इक्वेशन 3 और 4 से जब हम लोग निकालते हैं तो क्या निकल के आता है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, 666 ग्राम ऑफ एलम विल गिव 3 × 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एल्केनिटी। 666 ग्राम एलम से हमको 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट एल्केनिटी आता है, तो 1 ग्राम ऑफ एलम से कितना आ जाएगा, 40.45 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको ये रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, जो बॉक्स रेड बॉक्स में मैंने ड्रॉ कर रखा है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कहाँ से आया, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट क्या कहता है, 1 मिलीग्राम ऑफ फिल्टर एलम, ठीक है, या एलम से इसको कह सकते हैं, 1 मिलीग्राम ऑफ फिल्टर्ड एलम, फिल्टर मतलब साफ एलम, ठीक है, डोज रिक्वायर्ड 1 मिलीग्राम ऑफ एलम को रिएक्ट करने के लिए हमको 0.45 मिलीग्राम ऑफ एल्केनिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि एल्केनिटी को तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में डिफाइन करते हैं, इसी कारण से हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ एलम रिक्वायर्ड 0.45 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एल्केनिटी, एल्केनिटी इन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बात क्लियर है। ऑन द सेम गाइडलाइन हमारे पास CaCO3 है, अब कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डायरेक्ट नहीं बनता है, जब ये CaO होता है हमारा लाइन कहलाता है, ठीक है, जब लाइन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से ये हमको देता है क्या, CaCO3। तो इसका रिवर्स रिएक्शन जब हम लोग किए तो कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी डिसोसिएट इनटू लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो 100 ग्राम ऑफ इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे हम लोग तो 100 ग्राम आएगा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल डिसोसिएट विद 56 ग्राम ऑफ लाइम, क्विक लाइम, तो उसी को हम लोग लिखते हैं, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लीड्स 56 ग्राम ऑफ लाइम, तो 100 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 56 मिलीग्राम ऑफ लाइम, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 0.56। तो इसको हम लोग को सिर्फ ये वाले रिलेशन को याद रखना है, सिर्फ इस वाले बॉक्स के रिलेशन को याद रखना है।
बॉक्स के रिलेशन को याद रखना है, 0.56 मिलीग्राम ऑफ क्विक लाइम। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास 666 एलम जब हम लोग रिएक्ट करते हैं तो 7 × 2 × 78 फ्लोक जनरेट होता है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एलम की 0.234 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोक जनरेट होगा, तो ये हमारे पास फ्लो जनरेट हो गया। ठीक है, फ्लो जनरेट हो गया। ऑन द सेम गाइडलाइन आपके पास 666 ग्राम ऑफ एलम जब रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास इतना बाइकार्बोनेट जनरेट होगा, तो 1 के लिए हमारे पास ये टेबल को याद कर लेना है, तो 1 मिलीग्राम ऑफ एलम जनरेट 0.613 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पर देखो इक्वेशन मैंने गलत लिख दिया, ये कैल्शियम सल्फेट होगा, CaSO4 होगा, यहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे CaSO4 होगा। ठीक है, और उसी तरीके से 1 × 666 ग्राम ऑफ एलम यूज करेंगे, 6 × 34 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कहने का मतलब 1 ग्राम एलम जब यूज करेंगे तो हमारे पास 0.396 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, इस पूरे बात को मैंने जब एक जगह समराइज किया तो ये हमारा बेसिक इक्वेशन था। ठीक है, बेसिक इक्वेशन से हम लोगों ने ये डिराइव किया चीज़ों को, तो आपके पास फर्स्ट ये आया, सेकंड ये आया, थर्ड ये, फोर्थ ये एंड फिफ्थ ये आया। इन सबको मैंने एक जगह आपके लिए, ताकि आप जब रिवाइज करें तो इस इक्वेशन को देखें और उसके हेल्प से इन सारे इक्वेशंस को रिलेट कर सकें, ये मैंने एक ही पेज में सारी चीज़ों को डाल दिया। तो इनसे हम लोगों को समरी क्या मिला? सर आप बताए तो बहुत चीज, लेकिन इतना याद नहीं रह पा रहा है, आप कुछ जनरलाइज करिए ना बातों को। तो मैंने जनरलाइज किया कि बेटा जब हम लोग 1 ग्राम एलन डालेंगे, ठीक है, जब हम लोग 1 ग्राम एलन डालेंगे पानी में तो वो हमको 0.45 मिलीग्राम पर लीटर अल्कली देगा एज CaCO3, रिक्वायर्ड होगा CaCO3। उसके बाद 1 मिलीग्राम पर लीटर एलम जब हम लोग ऐड करेंगे तो 0.234 फ्लोक जनरेट होगा, 0.613 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट जनरेट होगा, 0.396 मिलीग्राम पर लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जनरेट होंगे, और 1 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा तो हमारे पास 0.56 मिलीग्राम ऑफ क्विक लाइम वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिएक्शन आपको वहाँ जो भी हम लोग किए पढ़े थे इन सारे में, उनका समरी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आउट है, इनका समरी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट आउट है। अब आप लोग पूछे यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो मैं बताता हूँ। कोई डिफिकल्टी हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं किया है, हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया है बेसिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन वो कंफ्यूजन सिर्फ केमिस्ट्री में होगा, वो कंफ्यूजन आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। समझ रहे मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो कंफ्यूजन आप लोग को यहाँ पर होगा वो केमिस्ट्री के बेसिस पर होगा, वो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ठीक है, केमिस्ट्री को हम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको समरी है, ये समरी हमारे पास यूज होंगे न्यूमेरिकल में। इसको कैसे यूज होगा मैं एक हिंट दे देता हूँ। आपको बोल दिया जाता है कि किसी वाटर को ट्रीट करने के लिए 40 ग्राम एलम यूज हुआ तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा, तो आपके पास पता है 40 ग्राम। ठीक है, आपको बोल देगा कि आपके पास 100 लीटर पानी है, 100 लीटर वाटर है, और आपको आपका है 20 मिलीग्राम पर लीटर एलम चाहिए होता है। 20 मिलीग्राम पर लीटर आपका एलम चाहिए होता है, तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल अमाउंट ऑफ एलम रिक्वायर्ड कितना है वो बताइए। ठीक है, तो 100 × 20 कर देंगे, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2000 मिलीग्राम एलम रिक्वायर्ड। उसके बाद कुछ पूछेगा कि कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा,
आपका 1 मिलीग्राम में 0.396 मिलीग्राम पर लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। तो 20 मिलीग्राम पर लीटर में 20 × 0.396 कर देंगे, हमारा पास आंसर निकल के आ जाए। कुछ हवा लगा? क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। तो मेन आपका जो कॉग्युलेंट है वो यही है, इसके अलावा भी कुछ कॉग्युलेंट हमारे सिलेबस में है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें से एक आता है आपका कॉपरस नाम से, जिसमें से एक कॉग्युलेंट आता है कॉपरस नाम से। बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कॉपरस में। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया है। कॉपरस का नाम कॉपर है, लेकिन इसमें कुछ कॉपर वॉपर टाइप का चीज होता नहीं। इसका टेक्निकल नाम है हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 × 7H2 कॉपर एस हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल के आता है वो यही है सेकंड वाला, नॉट यूज फॉर कलर्ड वाटर। अगर हमारे वाटर में कलर होगा तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कलर्ड वाटर से ये आयरन रिएक्ट करके कोई तीसरा कलर दे देगा, क्योंकि आयरन को खुद कलर देता है, रेड कलर, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। उसके बाद इसका वर्किंग रेंज क्या है, पीएच ग्रेटर देन 8.5, आयरन का कितना था 6.5 से 8.5, ठीक है। तो पीएच इसका 8.5 से ज्यादा है तो जब भी हम लोग इसको यूज करेंगे तो हमको उसमें लाइन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन जैसे ही ऐड करेंगे हमारा पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। डोजेज इसका क्या है, सिमिलर टू एलम है, 10 से 30 मिलीग्राम पर लीटर। हेवी फ्लो जनरेट करता है, हेवी मतलब भारी, ठीक है। आपका फ्लो जो जनरेट होगा वो भारी होगा, और भारी होगा तो जल्दी सेटल कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, रिएक्ट विथ लाइन इन बिगनिंग, रिएक्शन विथ लाइन इन बिगनिंग, ये रिएक्शन है। इसको याद करिए, इसको याद नहीं रखिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको वो सारी चीजें याद हो जानी चाहिए कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर बाद में आप लोग इसको भी याद कर सकते हैं। तो एक नोट कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहाँ पर लिस्ट आउट कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को याद होने चाहिए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि कलर्ड वाटर नहीं हो तभी हम लोग उसको यूज करेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक था कॉपर एस का, इसके ड्रॉबैक को हमें दूर करना था। तो ये कुछ इक्वेशन है उसी से रिलेटेड, कॉपर एस से रिलेटेड, उसको मैंने नोट्स बस मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको यहाँ पे समराइज कर दिया। तो इसका एक प्रॉब्लम था कॉपर एस का, कि कलर्ड वाटर से यूज नहीं हो सकता है। तो उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोगों ने लैब में रिसर्च किया और पता चला कि जब हम लोग क्लोरिनेटेड कॉपर एस यूज करेंगे तो हम लोग इसको कलर्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं। अब क्लोरिनेटेड कॉपर एस क्या होता है, Fe2SO4 + FeCl3, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं क्लोरिनेटेड कॉपर एस। जैसे नीचे रिएक्शन दिया है, फेरस सल्फेट प्लस फेरस क्लोराइड, ठीक है। इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे मैंने प्लस साइन बनाया है, तो वो क्या कहला जाएगा, क्लोरिनेटेड कॉपर एस। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन दो मिलकर क्लोरिनेटेड कॉपर एस बनाता है, तो कॉपर सल्फेट प्लस फेरिक। आपको याद रखना है कि ये फेरस या फेरिक क्या होता है, तो यहाँ पे ये फेरिक वर्ड यूज किया है, ठीक है। जब आपको सब फेरस फेरिक में कंफ्यूज करने का, पहला ऑप्शन है फेरिक सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फेरस सल्फेट, तीसरा ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, चौथा ऑप्शन है फेरस क्लोराइड, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ेगा। तो आप लोग अभी ही इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, तो फेरिक वर्ड को यूज कर रहा है, अक्सर याद कैसे रहेगा, फेरस या फेरिक। तो फेरस में FeRROUS आता है, ठीक है, और फेरिक में सी आता है, ठीक है। फेरिक में भी सी है, यहाँ पे भी सी है, और आपका जो नाम है इसमें भी सी है, तो बहुत सारे सी हो गए। तो इन सी को बैलेंस करने के लिए हम लोग याद रखेंगे क्लोरिनेटेड कॉपर एस में फेरिक RRIC लास्ट में सी है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो याद करने का टेक्निक मैंने बता दिया। तो फेरस और फेरिक में अगर ऑप्शन दिया जाए कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको याद शॉर्टकट वहाँ पे यही अप्लाई करिएगा, क्या कि कॉपर क्लोरिनेटेड कॉपर एस का बात कर रहा है,
कॉपर एस के लिए आपके पास क्या आएगा, फेरिक वर्ल्ड आएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा, इफेक्टिव इन कलर रिमूवल, ये कलर रिमूव करने के लिए भी आपके लिए क्या है, इफेक्टिव है। पीएच रेंट क्या है इसका, 3.5 से 8.5 और उससे ज्यादा में भी वर्क करता है। और ये कुछ इक्वेशन दिए गए हैं इसी से रिलेटेड, इक्वेशन इज नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके इक्वेशन आपके लिए मतलब इस लेवल पे भी आपको याद करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एलम के नोट्स को आप लोग स्केप नहीं कर सकते, एलम का एक एक पॉइंट आपको क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए, ताकि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें एलम से रिलेटेड तो आप लोगों को कन्फ्यूजन जनरेट ना हो कि किस लोकेशन पे ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि एलम में हम लोग बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं, एलम में ये पढ़े हैं कि एलम ऐड करने से एसिडिटी बढ़ जाता है, एलम ऐड करने से फिर हमारा वाटर का हार्डनेस बढ़ जाता है, एलम ऐड करने से परमानेंट हार्डनेस आता है। तो उन सारे बात को हम लोग को ध्यान रखना है। एक छोटा सा और होता है, उसको हम लोग कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, ये भी आपका एक कॉग्युलेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट Na2Al2O4 आता है। इट रिएक्ट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, गिव प्रिसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, ठीक है। आपका बस यही एक पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। ये आपका है सोडियम एल्यूमिनेट, मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को यहाँ पे एक साथ दिखा रखा है, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों को एक साथ दिखा रखा है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जब या तो कैल्शियम क्लोराइड हो या कैल्शियम बाई कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो या कैल्शियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड, उनमें से कोई भी हो, वो रिएक्ट करेगा तो रिजल्ट देगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा सोडियम उसके बाकी सब्सटेंस को लेके अपने साथ रिएक्ट करा लेगा और कैल्शियम एल्यूमिनेट या मैग्नीशियम एल्यूमिनेट आपका रिजल्टेंट बनेगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट या मैग्नीशियम एल्यूमिनेट आपका रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या करता है ये, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनेट एज ए प्रिसिपिटेट बना रहता है। ये डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ये प्रिसिपिटेट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। रिमूव टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस, वो तो इक्वेशन से ही समझ में आ गया। ये कॉस्टली देन एलम होता है, ये एलम से ज्यादा कॉस्टली होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया आपके लिए, ठीक है। यूज फॉर अल्कली फ्री वाटर, अगर आपको अल्कली फ्री वाटर चाहिए होगा तब हम लोग यूज करेंगे। हार्डनेस फ्री वाटर फॉर बॉयलर यूज करेंगे, और वर्किंग रेंज है 6.5 to 8.5 pH का, ठीक है। और नॉट यूज फॉर वाटर सप्लाई बिकॉज हाईली कॉस्ट, यहाँ पे एलन से ज्यादा यूज होता है, कॉस्टली हो जाता है। तो जब कॉस्टली हो जाएगा और हमारे पास एक पंगा है कि हम जब वाटर सप्लाई करते हैं तो एक दो लीटर को वाटर सप्लाई करना नहीं होता है, हमारे पास लाख करोड़ के लीटर में चला जाता है, मिलियन लीटर पर डे का बात करते हैं, मिलियन लीटर पर डे के केस में हम लोग इतना कॉस्टली अगर वाटर में कॉपिलेंट डालेंगे तो इसका कॉस्ट बेयर पब्लिक पे आएगा। और हमारे पास जो पॉपुलेशन है उनके पास ऑलरेडी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत वीक है। अभी हम लोग कोरोना के टाइम में ही देख रहे हैं क्या कि बहुत लोगों को खाना दिया जा रहा है, कई लोग यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होने के कारण हम लोग इस मेथड को यूज वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नहीं करते हैं। क्लियर है, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नहीं करते। और लास्ट है आपका लाइन, ठीक है। लाइन रिमूव क्या करता है, फास्फोरस रिमूव कर देता है, अमोनिया रिमूव कर देता है। तो लाइन को भी आप लोग याद रख सकते हैं। हमारे पास पांच कॉगुलेंट्स हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एलम था, तो एलम को आप लोग ध्यान से एकदम पढ़िएगा और एलम से ही आपके एग्जाम्स में 99% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर कॉग्युलेंट के लेवल पे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ वैसे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज में, या आपके किसी दूसरे PSU का एग्जाम देंगे या असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देंगे तो वहां से क्वेश्चन रेज कर सकता है। आयरन साल्ट प्रोड्यूस हेवी फ्लो, ये हम लोग पढ़े थे कॉपरास में।
क्लोरिनेटेड कॉपर है उसमें, आयरन साल्ट क्या होगा, हेवी फ्लो देगा। ये हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं किससे, एलन से कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है, एलन से कंपेरिजन कर रहे हैं आयरन, आयरन का एफी का, एफी फ्लो का, एफी यानी कि आयरन फ्लो का। दूसरा क्या कहता है, आयरन सॉल्ट टेक स्मॉल टाइम फॉर फ्लो फॉर्मेशन, यानी कि फास्टर देन एलम है, जल्दी रिएक्ट कर जाएगा एलम के कंपेरिजन में, ठीक है। ऐसे भी आप लोग पहले पॉइंट को याद रख सकते हैं, एलम में क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है और आयरन में एफी होता है, आयरन सॉल्ट में, तो दोनों में से एल्यूमिनियम या आयरन किसका डेंसिटी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली आयरन का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इसलिए उसका फ्लो भी क्या होगा, हेवी होगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, आयरन सॉल्ट वर्क इन दी वाइड पीएच रेंज, हम लोग देखे थे ये 3.5 पीएच से लेकर 8.5 एंड अबव तक चला जा रहा है, लेकिन हमारे पास एलम जब यूज कर रहे हैं तो 6.5 से 8.5 हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि आयरन सॉल्ट यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, लेकिन एलम सॉल्ट यूज फॉर रॉ वाटर ट्रीटमेंट यूज करते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि आयरन सॉल्ट का ट्रीटमेंट कब करते हैं, जब हम लोग सीवेज को ट्रीट कर रहे होंगे, नाली पानी को, लेकिन रॉ वाटर के लिए हम लोग एलम का यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या आता है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर द आयरन सॉल्ट। आयरन महंगा होता है, आयरन जल्दी से वाटर से रिएक्ट कर जाता है और आयरन का फ्लो हेवी होता है, तो हम लोग को यहाँ पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन करना पड़ेगा एकदम, ठीक है। लेकिन हमारे पास लाइन क्या होता है, कंपैरेटिवली सस्ता होता है, रिएक्शन स्लो होता है, तो हम लोगों को वहाँ पर थोड़ा लिबरल हो सकते हैं। और क्वालिटी डिक्रीजेज विथ टाइम, आयरन का जो क्वालिटी होता है वो डिक्रीज कर जाता है विथ टाइम, क्योंकि आयरन एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से रिएक्ट करके फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट की जगह पे वो क्या कन्वर्ट करता है, आयरन ऑक्साइड बनाने का चांसेस हो जाता है वहाँ पे। इस एडवांटेज है कुछ आयरन साल्ट के, प्रोड्यूस आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया ये जनरेट कर देता है, ये आयरन बैक्टीरिया हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये इम्पार्ट कोरोजन, ठीक है, ये भी हम लोग जानते हैं, और रेडिश ब्राउन कलर ये देने का चांसेस होता है वाटर में। हम लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा जो वाटर ट्रीट होके आ रहा है वो लाल रंग का पानी है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं जिसको हम लोगों ने समराइज कर लिया। इसको थोड़ी देर में देखते हैं इस वाले पॉइंट, उससे पहले ये समझते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ कॉगुलेशन, एसटी मैंने सेडिमेंटेशन टैंक को शॉर्ट में लिखा, ठीक है, सेडिमेंटेशन टैंक को, ठीक है, क्या होता है हम लोग समझते हैं। जब आपका वाटर बहुत कोलोइडल पार्टिकल को कैरी कर रहा होगा तो उसमें हम लोग कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, केमिकल डालना पड़ेगा, तो वैसा सिस्टम जो केमिकल डालता है उसको हम लोग कहते हैं फीडर, फीडर यानी कि फीड करना, डालना, ठीक है। जब वो केमिकल डाल दिया गया, जब कॉगुलेंट डाल दिया गया, तो काम क्या है हमारे पास, मिक्स होना कॉगुलेंट का, तो मिक्स कहाँ होगा बेटा, मिक्सिंग बेसिन में होगा, मिक्स कहाँ होगा, मिक्सिंग बेसिन में होगा। और जब मिक्स हो जाएगा तो उसको हम लोग एजिटेट करने के लिए फ्लॉक्यूलेशन टैंक में डालेंगे, तो फ्लॉक्यूलेशन वहाँ पर होगा। फ्लॉक्यूलेशन के बाद जब वो फ्लो बड़े बड़े हो जाएंगे तो वो सेटल कहाँ करेगा, वापिस से सेडिमेंटेशन टैंक कहेगा। तो यही जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसी को हम लोग कहते हैं कॉगुलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन टैंक। मैंने पहले ही बोला था कि कॉगुलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन टैंक हम लोग यही कर लेंगे। टैंक का डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, जो डिजाइन हम लोगों ने प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का पढ़ा था सेम कॉपी पेस्ट डिजाइन यहाँ पे भी होगा, कॉगुलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन, कॉगुलेटेड एडेड सेडिमेंटेशन टैंक का। लेकिन डिफरेंस बस ये होगा कि ये सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड करने से पहले हमें ये तीन यूनिट देना होगा, फीडर, बेसिन मिक्सिंग एंड फ्लॉक्यूलेशन टैंक। क्लियर है आप लोगों को, क्या क्या देना होगा बेटा, फीडिंग, मिक्सिंग बेसिन एंड फ्लॉक्यूलेशन टैंक। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोगों का पानी ऐसे समझो, पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था ट्रीटमेंट में, स्क्रीनिंग किया था,
स्क्रीन करने के बाद हमारा वाटर आगे आया तो उसको हम लोगों ने एरिएट किया, एरिएट करने के बाद जब हमारे पास आगे आया हम लोगों ने उसको प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में जो बड़े बड़े पार्टिकल थे वो सेटल कर गए। अब हमारे पास कोलॉइडल पार्टिकल बचा है जिनको हम अभी भी चाह रहे हैं कि उनको रिमूव कर दें। तो कोलॉइडल पार्टिकल रिमूव करने के लिए हमको कुछ कॉग्युलेंट डालना होगा, तो कॉग्युलेंट कौन डालेगा, फीडर डालेगा फीडिंग में, ठीक है। उस कॉग्युलेंट को डालने के बाद हम लोग उसको मिक्स करेंगे, तो मिक्स कहाँ होगा, मिक्सिंग बेसिन में, ठीक है। मिक्स होने के बाद उसको क्या होगा, हम लोग को स्लो मिक्सिंग करना होगा। याद करिए जार टेस्ट, जार टेस्ट में हम लोग 100 RPM 8 मिनट तक एंड 30 RPM 10 मिनट तक किए थे, तो जो 10 मिनट था वो फ्लॉक्यूलेशन कहलाया था। यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन यानी कि स्लो मिक्सिंग करेंगे, और जब स्लो मिक्सिंग होने के बाद जो छोटे छोटे पार्टिकल जेलेटिनस सब्सटेंस के साथ स्टिक होकर बड़े सब्सटेंस में बन जाएंगे वो सेटल कहाँ करेगा, सेडिमेंटेशन टैंक। सेटल कहाँ करेगा बेटा, सेडिमेंटेशन टैंक में करेगा। तो जो फीडिंग होगा वो दो तरह के से हो सकता है, या तो ड्राई फीडिंग हो जाए या तो वेट फीडिंग हो जाए, या तो ड्राई फीडिंग हो जाए या तो वेट फीडिंग हो जाए। अब कैसे होता है ये समझ लेता है। आप लोग ग्लूकोज पियोगे तो वो ड्राई फीडिंग होगा। ग्लूकोज क्या था, ड्राई पाउडर था, उसको हम लोगों ने डाला पहले पानी में, उसके बाद हम लोग उसमें सॉल्ट डाले और वो रेडी हो गया, उसके बाद उसको पी के एनर्जी हम लोग गेन कर लिया। दूसरा तरीका होता है ORS आता है आपका, वेट होता है। ORS पहले से ही बना होता है फ्रूटी की तरह, उसमें स्ट्रॉ डालते हैं पी लेते हैं और वो भी हमारे पास क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। तो जब हम लोग ड्राई पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो ड्राई फीडिंग कहलाएगा, और जब उसका वेट सॉल्यूशन बना होगा तो उसमें हम लोग वेट फीडिंग कहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ ड्राई फीडिंग एंड वेट फीडिंग, ऑब्वियसली वेट फीडिंग इज मोर बेनिफिशियल, ताकि ये पानी में जल्दी से खुल जाता है। मिक्सिंग बेसिन भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है बफल वाल और दूसरा होता है मैकेनिकल वाल। बफल वाल क्या होता है, ये आपका हो गया बफल वाल, टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आएगा, इसे टकराएगा, ये पानी ऐसे मूव करेगा, यहाँ टकराएगा, ये पानी ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे मूव करेगा, ये बार क्या हो रहा है, हमेशा टकराते जा रहा है और फिर ये स्ट्रेट निकल जाएगा। ये जो एग्जैक्ट मैनर से आपका वाटर मूव कर रहा है, ये क्या करेगा आपको, जो अब इसमें यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल ऐड कर दिया, चलो यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल ऐड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल ऐड कर दिया। अब केमिकल तो ऐड हो गया, मिक्स होने के लिए क्या होगा, ये एग्जैक्ट मैनर में हमारा वाटर मूव करेगा, हमारा केमिकल क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यही होता है बफल वाल। अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल बफल वाल होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो वर्टिकल बफल वाल होगा, ठीक है। और मैकेनिकल वाल में आपका बकायदा अरेंजमेंट किया होता है मैकेनिकल, आपके वहाँ पे मिक्सिंग बेसिन वगैरह टाइप का कुछ बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वाल, मिक्सिंग बेसिन। अब मिक्सिंग कैसे होता है, आप लोग लस्सी बनते हुए देखे हो, ऐसे वो एक लकड़ी का होता है जिसको हम लोग गल घोटने कहते हैं, और उसको हम लोग किस तरीके से मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, उसके नीचे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेट मी ट्राई, देखो ये इस तरीके का होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर डालते हैं और इसको इस तरीके से मूव कराते हैं। जब इसको इस तरीके से मूव कराते हैं ये क्या होता है, मिक्स होने लगता है, और जब ये मिक्स होने लगता है तो ये क्या कहला जाता है, मैकेनिकल वॉल कहला जाता है। क्या कहला जाता है बेटा, मैकेनिकल वॉल कहला जाता है। तो मैकेनिकल वॉल जो होता है और कॉगुलेट एंड एजिटेट रिग्रेसली, और कॉगुलेट एंड एजिटेट वाइग्रेसली, तो आपका कॉगुलेशन और एजिटेशन यहाँ पे बहुत फास्ट होने लगता है। कॉगुलेशन और एजिटेशन क्या होता है बेटा, बहुत फास्ट होने लगता है, और ये डिपेंड किस पे करता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट पे। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये एक नया पैरामीटर आया आज आपके पास, नया पैरामीटर आया जिसको हम लोग जी कहते हैं, और इसका यूनिट क्या है,
सेकेंड इनवर्स है। टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है? दो पार्टिकल होता है, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल का यहाँ पे वेलोसिटी होता है v1, और ये अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसका वेलोसिटी हो जाता है v2। ठीक है, क्या हो जाता है v2, और ये v2 कब हुआ? x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो x डिवाइडेड बाई v2 माइनस v1, यही आपका होता है टेम्पोरल मीन वेलोसिटी। ठीक है, ये एक फिक्सीशियस पैरामीटर है, झूठा पैरामीटर है। ठीक है, लेकिन ये इसका हम लोग यूज करते हैं डिजाइन करने में। तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट पी म्यू बाई वी। ये देखो वी दो तरीके का आता है, एक वी ये है और एक वी ये है। ये जो नीचे वाला है इसको मैं कहता हूँ वी डिस्काउंट, नाम दिया गया ताकि बच्चों को याद रहे। वी डिस्काउंट, एक गोली मार दो ये बीच से गोली पास हो गया, बुलेट। ऐसा इसलिए किया गया कि इस तरह का जब भी मैं वी लिखूंगा ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, और इस तरीके से नॉर्मल वी होगा ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास दो वी आएगा बार बार, एक वेलोसिटी आएगा और एक वॉल्यूम आएगा। कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे सर? बाद में सारे जमीन पे हो जाएगा, सारे दिमाग के बाल खड़े हो जाएंगे आपके कि सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा कि कहाँ पे वी ले वॉल्यूम के लिए और कहाँ पे वी ले वेलोसिटी के लिए। तो जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो आप लोग वी डिस्काउंट वर्ड यूज करिएगा, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक रिप्रेजेंट करता है। तो जी कैसे पता चला? पावर आपका हुआ वाट में, न्यू आपका हुआ डायनेमिक विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, वी क्या हो गया वेलोसिटी मीटर क्यूब में, और जी क्या हो गया टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सेकंड इनवर्स में हो गया। ठीक है, अब इनका यूनिट याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। इनका जो भी यूनिट हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं इनका यूनिट वही है। ठीक है, इनका स्टैंडर्ड यूनिट वही है, यूनिट वाइज ओके है, यूनिट वाइज ओके, ऐसे याद रखो। तो आपको इसका स्पेशली यूनिट याद नहीं रखना पड़ेगा। तो पावर का हम ऐसा वाट में ही पढ़ते हैं, मेगावाट तो स्टैंडर्ड केस हो गया। नॉर्मल में पावर क्या होता है? वाट में होता है, डायनेमिक यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, एंड जी होता है सेकंड इनवर्स में। अब कुछ डिजाइन पैरामीटर है इसके, इसको आप लोगों को डायरेक्टली याद करना है। डिटेंशन टाइम 30 से 60 सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर या सर्कुलर टैंक कोई भी शेप का हो सकता है। हाइट बाई विड्थ रेशियो, ये विड्थ है और ये डायमीटर है। ठीक है, ये डी है तो डायमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बी है तो विड्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। डायमीटर होगा सर्कुलर के लिए, विड्थ होगा स्क्वायर के लिए। 1/1 से 3/1 हो सकता है। ई कहाँ क्या कितना होना चाहिए? 300 के इक्विवेलेंट या ग्रेटर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ये, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी बताइए और मिक्सिंग चैम्बर की है, तो आप बता दीजिएगा। 300 पावर कितना? 1 से 3 वाट होना चाहिए, वाट का। और यूनिट यहाँ पर वापस देखिए, वाट में क्या बता रहा है? वाट पर मीटर क्यूब पर आवर। तो इसे हम लोग क्या समझ जाएंगे डायरेक्टली? हम लोग देखेंगे अच्छा ठीक है, आवर है तो यानी कि डिटेंशन टाइम का बात बता रहा होगा, या मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो डिस्चार्ज भी बता सकता है, या फिर वाट है तो करेक्ट पावर बता रहा होगा, इससे हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है हम लोग इस यूनिट को देख के समझ जाएंगे। ठीक है, इम्पेलर डायमीटर आपका, इम्पेलर डायमीटर बाई टैंक डायमीटर आपका, इम्पेलर डायमीटर बाई टैंक डायमीटर क्या होता है वो समझ नहीं पाता है। ये मान लेते हैं कि आपके पास सर्कुलर टैंक है और आपने यहाँ पे शाफ्ट है आपका, और शाफ्ट से ये आपका पेडल निकला हुआ है, तो ये इस तरीके से रोटेट करेगा। इस तरीके से रोटेट करेगा तो ये आपका होता है टैंक डायमीटर, और ये आपका हो गया डॉटेड वाला इम्पेलर डायमीटर। तो इनका रेशियो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो इम्पेलर छोटू है, टैंक डायमीटर बड़ा है, तो इनका भी वैल्यू जो आएगा वो डेसिमल में आएगा। शाफ्ट स्पीड इज सच दैट टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ, ये एग्जाम में पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है, ईएस में भी पूछा गया है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट होने का चांसेस है। क्या है? शाफ्ट के टॉप का स्पीड होगा जो
3 मीटर पर सेकंड होगा। यहाँ पे ये डायग्राम में समझते हैं, ये आपके पास एक शाफ्ट है और शाफ्ट में आप लोगों ने पेडल लगा दिया है। पैडल मतलब साइकिल का जो पैडल होता है ना, उसी तरह का पैडल होता है। यहाँ पर ये रहा पैडल लगा दिया। बोलता है कि इस लोकेशन पे ये क्या कहलाता है, टिप ऑफ द ब्लेड, टिप ऑफ द ब्लेड पे जो वेलोसिटी होना चाहिए वो ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। इसका वेलोसिटी बेटा कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। टिप का वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब आता है फ्लॉक्यूलेशन, सारी बातें इसके बारे में हम लोग जानते हैं, बस यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो मिक्सिंग प्रोसेस है, जानते हैं क्यों होता है तो डीस्टेबलाइज दी कोलाइडल पार्टिकल। क्यों हम लोग डीस्टेबलाइज करते हैं, तो ब्रॉट इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट टू प्रमोट एग्लोमोरेशन, एग्लोमोरेशन मतलब इकट्ठा होना कहते हैं, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो टर्बिडिटी के ऊपर, टाइप ऑफ डोज के ऊपर और टेम्पोरल मिनिमम वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। इन तीनों पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड करता है। देन जी इज मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, जी क्या है, मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ टू पार्टिकल ऑफ फ्लूइड डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बात मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। देखो यहाँ पर सेम चीज को, वहां पे x डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे s डिस्टेंस लिया हुआ, जी यहाँ से निकल के आ गया। और फ्लॉक्यूलेशन के लिए जी का वैल्यू कितना है बेटा, 20 से 75 पर सेकेंड। और रैपिड मिक्सिंग के लिए आपके पास कितना था, ग्रेटर देन 300। ये दोनों वैल्यू में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ग्रेटर देन 300 था कहाँ पे, रैपिड मिक्सिंग में, लेकिन फ्लॉक्यूलेशन में ये 20 से 75 है। क्यों है, कंट्रोल फ्लोक डेंसिटी, जी क्या क्यों हम लोग रिप्रेजेंट यूज करते हैं, जी क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लॉक्यूलेशन में, कंट्रोल करने के लिए किसको, डेंसिटी को, फ्लोक के डेंसिटी को, फ्लोक आप लोग समझ रहे हैं उसके डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए। और जो डिटेंशन टाइम होता है वो क्या कंट्रोल करता है, साइज ऑफ फ्लोक कंट्रोल करता है, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी कंट्रोल करता है डेंसिटी, और डिटेंशन टाइम कंट्रोल करता है फ्लो, कैसे कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा है, अगर जी इंक्रीजेस तो टी डी डिक्रीजेस तो एस यहाँ पे है साइज, एस यहाँ पे लिखा हुआ है, एस क्या है बेटा, साइज ऑफ फ्लो है, और गामा क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लो। तो जब टेम्पोरल मीन वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो आपका डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिटेंशन टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग टेम्पोरल मीन वेलोसिटी डिक्रीज करते हैं तो आपका डिटेंशन टाइम इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपके पास एक कंडीशन को बढ़ाते हैं तो आपके पास डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और दूसरे कंडीशन को बढ़ाते हैं तो आपके पास साइज इंक्रीज हो जाता है। बड़ा साइज हो लेकिन डेंसिटी कम हो तो वो सेटल नहीं करेगा, ठीक है। बड़ा साइज हो और डेंसिटी कम हो तो वो क्या करेगा, सेटल नहीं करेगा। और छोटा साइज हो और उसका डेंसिटी ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उसको रिमूव करने में डिफिकल्टी आएगा। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वैसा सब्सटेंस हमारे पास आए जिसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो और जिसका जिसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो और जिसका साइज भी ज़्यादा हो, जिसका डेंसिटी भी ज़्यादा हो और जिसका साइज भी ज़्यादा हो। उस पार्टिकल को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेपर्ड फ्लॉक्यूलेशन का यूज़ करेंगे। टेपर्ड मतलब क्या होता है, इनिशियली छोटा रहेगा इस तरीके से, आप लोग कैमरे में देखिए वीडियो, इनिशियली आपके पास क्या है, गैप छोटा है, लेकिन जैसे जैसे आपका फ्लो ऊपर बढ़ रहा है गैप बढ़ते चला जा रहा है। इस क्रॉस सेक्शन पे आपके पास क्या है, गैप कम है, और इस क्रॉस सेक्शन पे आपके पास गैप ज्यादा है। तो इनिशियली आपको क्या होगा, जी इंक्रीजेस टी डी डिक्रीजेस, तो जी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा,
और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जी डिक्रीजेस टी डी इंक्रीजेस, तो डेंसिटी ऑलरेडी यहाँ पे इंक्रीज हो चुका था, अब हम लोग टी डी इंक्रीज किया तो साइज भी इंक्रीज हो गया, तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, साइज भी इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा और गुड क्वालिटी ऑफ स्लोप मिलेगा, गुड स्लोप। और जब अच्छा स्लोप होगा तो हमारे पास सेटल अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज देखा गया है कि जी इनलेट, ये अगर आपका इनलेट है और ये अगर आउटलेट है, तो जी इनलेट बाई जी आउटलेट का जो रेशियो होगा वो तो 2 का होना चाहिए। जी इनलेट बाई जी आउटलेट का जो रेशियो होगा वो तो कितने का होना चाहिए बेटा, 2 का होना चाहिए, क्लियर है। अब पावर निकालने का कुछ फॉर्मूला है आपके पास, ये भी फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स से आया है, ये इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का फॉर्मूला नहीं है। पावर के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और ये वी आर क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी किसका, वेलोसिटी ऑफ पैडल एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर। अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर नहीं दिया होगा तो हम लोग वी पी इंटू 1 - k का यूज करेंगे, और k का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो k इज इक्वल टू 0.25 ले लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये एफ टी क्या होता है, एफ टी होता है बेटा ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स होता है, और ड्रैग फोर्स हम लोग कहाँ पढ़े थे, फ्लूइड मैकेनिक्स में। सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रैग फोर्स वाला, कोफिशियंट ऑफ ड्रैग इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एरिया इंटू रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। एपी है यहाँ पे आपका पेडल एरिया, पेडल एरिया, पेडल एरिया मैंने अभी बताया था आपको, ये आपका इस तरीके से पेडल बना होगा, तो ये जो बॉक्स बना है ना यहाँ पे, यही आपका पेडल है, इसी के एरिया को हम लोग कहते हैं एपी, इसी के एरिया को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एपी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पावर निकालने का तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डायग्राम में मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, तो Vp कैसे निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ पेडल, वेलोसिटी ऑफ पेडल इज इक्वल टू आर डैश इंटू ओमेगा, आर ओमेगा, ठीक है। आर डैश क्या होगा, आर प्लस डी बाई 2। आर क्या है, सेंटर से लेकर पेडल तक का डिस्टेंस, और डी बाई 2 क्या है, डी है आपका पेडल का, एक पेडल का विड्थ, उसका हाफ विड्थ तक हम लोग जाएंगे तो हमारा आर डैश आएगा। तो इस डायग्राम को देख के समझ लीजिएगा कि फंक्शन नोटेशन क्या डिफाइन कर रहा है, और ठीक उसी तरीके से यहाँ पे कुछ आपके पास डिजाइन पैरामीटर दे दिए गए हैं, इस डिजाइन पैरामीटर को आप लोगों को याद रखना है। गेट में तो ये वैल्यू आपको दे दिया जाएगा, लेकिन कभी भी आप लोग असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम का आप लोग मेन्स लिखने जाएंगे, यही एग्जाम के लिए जब भी आप लोग मेन्स लिखने जाएंगे, तो वहाँ पे ये वैल्यू हो सकता है कि ना दे, क्योंकि ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, डिजाइन क्राइटेरिया लिखा ही हुआ है, तो इन वैल्यू को आपको याद रखना होगा, जो डेप्थ टैंक के डेप्थ को, डिटेंशन टाइम को, टोटल पेडल एरिया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पेडल, जी एंड टी, जी इंटू पी टी के सारे वैल्यूज को यहाँ पे इसने लिस्ट आउट कर दिया गया है। तो ये आपको सारे वैल्यूज को याद रखना होगा, ताकि आप लोगों से जब न्यूमेरिकल पूछा जाए यहाँ पे कन्वेंशनल में, तो आप लोग कन्वेंशनल के सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पे क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है, कन्वेंशनल के सारे इक्वेशंस को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकें। तो आज जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, इनको आप लोग फुल ऑन रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग कल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन ये फ्रेम होते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग, एरिएशन, स्क्रीनिंग हो गया, एरिएशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, पॉपुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने कवर अप कर लिया। आपको सेम टॉपिक को अब रिवाइज करना है, इनके ऊपर कल हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, और आगे फिर हम लोग अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस को आगे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।